इंडिया के नंबर वन स्किन क्लिनिक चेन बना दी, वो कैसे पॉसिबल हुआ? सबसे पहले तो मैं 1998 में मैंने स्किन क्लिनिक का मेरी फर्स्ट स्किन क्लिनिक स्टार्ट किया, वो 600 स्क्वायर फीट में थी। कोई प्लान नहीं था कि ये इंडिया के नंबर वन स्किन क्लिनिक बनेगी। डॉक्टर जगदीश साखिया और अपने 3 लाख से भी ज्यादा लेसर हेयर रिमूवल प्रोसीजर कंप्लीट किया है, तो क्या एक्चुअल में इतनी ज्यादा पॉपुलर है? यस यस, सबसे पहले तो हम थैंक यू वेरी मच सलमान खान कि उसने सबसे पहले 20 साल पहले फुल बॉडी हेयर रिमूवल किया था, तब उसने 16 लाख दिया था। तो छोटी छोटी उम्र में भी बहुत सारे लोगों का हेयर फॉल का आजकल इश्यू हो गया। सबसे पहले जो मेन होता है जेनेटिक, 90% होता है जेनेटिक होता है। यस, अभी हमने देखो आदिवासी वो हर एक को एक ही देता है ना, 4-5 सेलिब्रिटी को रख के फिर स्टार्ट कर दिया तो सब फॉलो करते हैं। हमारे इंडिया में तो क्या होता है, सेलिब्रिटी है तो उसको बस आइडल मानते हैं, उसी प्रोडक्ट को बेस्ट मानते हैं, अंबानी नहीं लगाते। सही बात है। और छोटे छोटे बच्चों का भी वाइट हेयर हो जाता है, उसका क्या रीजन होता है? करंट समय के अंदर स्किन के रिलेटेड सबसे बड़ी प्रॉब्लम समस्या अभी क्या है? अर्थ के ऊपर एक ओजन लेयर होता है, ओजन लेयर का काम है हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेस को धरती पे आने देने का। यस, ओजन वीक हो गया तो यूवी रेस बहुत हो गया। ऑस्ट्रेलिया में आज से 50 साल पहले स्किन कैंसर का मरने से जो रेटिंग था 20th रीजन है स्किन कैंसर से पेशेंट मरता है। अभी वो 3rd पे आ गया। लोग आपका चेहरा जानते हैं, आपको पहचानते हैं, ठीक है, मान के चलो जयपुर की बात करूं, दिल्ली की बात करूं, क्योंकि लोग आपका कंसल्टिंग आपके पास आना चाहते हैं, ऐसा कौन सा ट्रस्ट है कोई इंडिया का कोई भी पेशेंट है वो क्लिनिक के अंदर जाए? आप जब फ्लाइट में बैठते हैं तो आप कभी पायलट देखते हैं कौन सा पायलट है उसका कौन सा है? यस, कौन है वो? नहीं, ट्रस्ट पे बैठ जाते हैं, बैठते हैं वो पहुंचा देगा। ऐसी कोई पेशेंट की कोई स्टोरी है जो आप शेयर करोगे? एक पेशेंट, प्रॉब्लम कुछ नहीं था, इसको हेयर फॉल था, वो मेरे पास चिट्ठी लिख के गया अगर मेरा हेयर फॉल हेयर वापस नहीं तो मैं सुसाइड कर दूंगा। तो आज के इस पॉडकास्ट के हमारे गेस्ट है एक ऐसे फाउंडर जिन्होंने इंडिया की सबसे बड़ी स्किन क्लिनिक चेन बना दी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर जगदीश साखिया जी की। उन्होंने जब से पहला स्किन क्लिनिक ओपन किया था तब से उसका विजन क्लियर था। उन्होंने जब पहला स्किन क्लिनिक ओपन किया था तब से उन्होंने टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया था। मैं बात कर रहा हूँ 1998 की, और ख़ास करके इंडिया के अंदर इतने सालों पहले बहुत ही कुछ परसेंट लोग थे वही टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे थे अपने बिजनेस के अंदर। लेकिन डॉक्टर जगदीश जी को पता था कि अगर फ्यूचर के अंदर मेरे बिजनेस को ग्रो करना है, एक्सपांड करना है, तो मेरे बिजनेस के अंदर टेक्नोलॉजी को यूज़ करना ही पड़ेगा। वो बहुत सालों पहले उसके माइंड के अंदर क्लियर था, उसको पता था, और उसी की वजह से उसका जो रिजल्ट है वो आपके सामने है कि आज वो नंबर वन इंडिया के अंदर स्किन क्लिनिक चेन है वो बना पाए हैं। तो बहुत सारी बातें आज इस एपिसोड के अंदर हम करने वाले हैं, इसीलिए आप इस एपिसोड को एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले सखिया साहब, इस पॉडकास्ट के अंदर मैं आपका स्वागत करता हूँ। पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं कि आप इंडिया के नंबर वन स्किन क्लिनिक की चेन बना दी, वो कैसे पॉसिबल हुआ? सबसे पहले तो मैं 1998 में मैंने स्किन क्लिनिक का मेरी फर्स्ट स्किन क्लिनिक का स्टार्ट किया, वो 600 स्क्वायर फीट में थी। ओके, तब कोई प्लान नहीं था कि ये इंडिया की नंबर वन स्किन क्लिनिक बनेगी। काम करते गए तो इसमें से वो जनरेट आइडिया होता गया। यस, मेन तो हमारा जो पर्पस था कि स्किन डिजीज जो है सबसे निगलेक्टेड पार्ट था, निगलेक्टेड मीन्स लोग इसका ध्यान नहीं रखते थे। yes. क्योंकि जो लीवर, किडनी, ब्रेन, हार्ट, लंग सब में तकलीफ होती है, तुरंत डॉक्टर के पास जाते हैं। स्किन ऐसा था कि लास्ट में आता है। yes. कोई इसके बाद ध्यान नहीं दे। तो स्किन बीमारी जो ऐसे शुरू में कोई भी बीमारी होती है शत्रु है कि बीमारी है, शुरू में तो ऑलवेज छोटी रहती है, धीरे धीरे बड़ी होती है। कभी हम करते हैं कभी अपने आप हो जाती है। तो स्किन डिजीज 5000 स्किन डिजीज है टोटल। Yes. और इसमें काफ़ी डिजीज ऐसा है कभी लाइफ थ्रेटनिंग में जिसे एक पेशेंट मर भी सकते थे। यस, और पूरे इंडिया में जब मैंने स्टार्ट किया था तो तब 100 करोड़ की पॉपुलेशन थी, अभी 140 करोड़ हो गई। यस, yes. तो सिर्फ 7000 डरमेट थे, 7000 डरमेट और 100 करोड़ पॉपुलेशन। यस, yes. तो देखो 3-4 लाख पॉपुलेशन के बीच में एक क्वालिफाइड डॉक्टर था। यस, तो मैंने सोचा और वो भी सब बड़े बड़े सिटी में था। Yes. क्योंकि मेट्रो सिटी में वो बड़े सिटी में था, छोटा जो हमारा 70% इंडिया जो है वो तो गांव में है तो वहाँ तो कोई नहीं था। yes. समझे, तो इसीलिए फिर मैंने सोचा कि ये मल्टीपल, मैं 40 कंट्री में घूम के सब कुछ सिखाऊँ,
तो वो जो छोटे गांव में जो एकदम नॉर्मल जो पर्सन होता है, इसके टेक्नोलॉजी के थ्रू कैसे पहुंचाए, इसीलिए फिर मैंने एक्सपांशन करते गया। मेन एक्सपांशन था, मैंने पहले तापी बाग वराछा में ब्रांच खोली थी, दूसरी मैंने स्टेशन भटार में खोली। पर्पज इनकम का नहीं था, परंतु हमारे स्किन ट्रीटमेंट का लंबी चलती है, एक बार देख लिया फिर उसको 5-6 महीने आना पड़ता है। तो फिर मानो के भटार से पार्ले पॉइंट से पेशेंट को आना ना पड़े, इसीलिए फिर मैंने भटार में खोल दिया, क्योंकि भाई सेकंड थर्ड सेशन इसमें मुझे देखने की जरूरत नहीं, आप सीधा वहां सेशन ले लो। फिर धीरे धीरे ज्यादा मेरे सॉफ्टवेयर था, डे वन से मैंने सॉफ्टवेयर पहले से था, तो इसके इससे मुझे पता चलता है कि कौन से एरिया में ज्यादा है। मानो कि भाई अभी 18 से ज्यादा पेशेंट आ गया तो 18 में खोल दिया। इनकम का कोई पर्पस नहीं था, सिर्फ पेशेंट की जो बोलते हैं फैसिलिटी, क्योंकि एक पेशेंट को आए तो साथ में दो लोगों को आते हिसाब में, बच्चे हो तो दो साथ में पेरेंट्स को आना पड़ता था, तो बहुत टाइम वेस्टेज बहुत होता था वेटिंग में। सुबह 8 बजे से रात को 1 बजे तक काम करता था, और हमारा क्या 90% पेशेंट फॉलोअप रहता है। तो फिर वो बर्डन कम करने के लिए, मेरे पे बर्डन कम करने के लिए, पेशेंट का टाइम वेस्ट ना हो जाए और उसको इजीली ट्रीटमेंट मिल जाए, तो फिर इसीलिए मैंने बनाया। तो ऐसे अभी हमारा 31 क्लिनिक हो गया और फ्यूचर में 100 क्लिनिक करने जा रहे हैं। तो मेन पर्पस था, चेन ऑफ क्लिनिक करना नहीं था, हो गया हो गया। यस, दूसरी बात, जैसे आपने बताया कि करीबन 25-27 साल पहले आपने बोला कि भाई मैंने सॉफ्टवेयर पहले दिन से यूज करना चालू किया था, तो आपको ऐसे आइडिया कैसे आया? क्योंकि 20-25 साल पहले की बात करूं, इतना टेक्नोलॉजी का जमाना नहीं था, लोग इतने अवेयर भी नहीं थे, और बहुत कम ऐसे बिजनेसमैन या कोई भी लोग ले लो, वो कम लोग थे जो सॉफ्टवेयर यूज करते थे अपने बिजनेस के अंदर, तो वो आपको आइडिया कैसे आया? वैसे क्या है कि मैं घूमता बहुत रहता हूँ, मैंने 1998 में चालू किया, तो मैं 1999 में मैं गया सिंगापुर, बराबर। तो इंडिया में तो तब ब्रांच में स्किन में कोई एडमिशन ही नहीं लेता था, लास्ट में होती है सब, कोई सर्जरी, कोई गायने, पीडियाटिक, जब कुछ नहीं मिलता है तब स्किन में लेते थे। पर स्किन का एक फ़ायदा होता है, तब हमारे में मिनिमम इन्वेस्टमेंट रहता है, एक आपको 300-400 स्क्वायर फीट की जगह टेबल लिया और मैग्निफिकेशन ग्लास लिया, आपके काम से इन्वेस्टमेंट ऑलमोस्ट निग्लिजिबल था। तो मेरा पर्व, मैं एकदम मिडिल क्लास से आ रहा था, तो इन्वेस्ट क्लिनिक बनाने का ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। और दूसरा है कि स्किन में वेटिंग टाइम कम रहता है, तुरंत पेशेंट चालू हो जाता है, सर्जरी में गायनेक में टाइम लगता है। तो दो पर्पज से मैंने ये स्किन क्लिनिक चालू किया। तो पहले दिन मैंने गया, तो फिर मैं सिंगापुर गया, तो वहाँ तो डर्मेटोलॉजिस्ट बहुत अच्छा काम करते हैं, वहाँ तो नंबर वन ब्रांच है। इसके बाद नेक्स्ट ईयर यूएसए गया, तो वहाँ भी मैंने देखा कि भाई यहाँ तो बहुत एडवांस ब्रांच है, तो वहाँ तो बिना कंप्यूटर कुछ हो ही नहीं सकता वो 1980। तो आके मैंने सीधा कंप्यूटर लिया, कंप्यूटर में करे क्या, तो फिर एक यहाँ सूरत में एक एजेंसी थी, उसने हमें सॉफ्टवेयर दिया, एंडो सॉफ्टवेयर का था, एंट्री लेवल का था, इसमें सिर्फ पेशेंट का फोटोग्राफ, पेशेंट का नाम, एड्रेस, मेल फीमेल है, बस इतना ही था बेसिक डिटेल्स। पर फिर हमें धीरे धीरे पता चला कि मानो के डायग्नोसिस हम लग एक पिंपल्स दाग, तो हम जैसे सर्च करें तो पिंपल्स का मेरा जितना पेशेंट तुरंत आ जाता है। तो मानो कि कोई पिंपल्स का नया मशीन में लेकर आया, तो वो इतने लोगों को मैं मैसेज करता था कि भाई ये नया मशीन आ जाओ, इससे मुझे भी फायदा हुआ, पेशेंट को भी, वेस्टेज भी नहीं हो अननेसेसरी। मानो कि आपको एक्जिमा है और आपको पिंपल्स का मैसेज क्यों भेजूं? जिसको जो जिसके रिलेटेड जो भी था उसके रिलेटेड डेटा फिल्टर करके आप उसको मैसेज कर सकते। अभी मैंने 6 लाख हो गया, 6 लाख का पेशेंट का डेटा अभी हमारे पास है, विद डायग्नोसिस, डेमोग्राफिक, कौन से एरिया से आ रहा है, एज, सेक्स, सब कुछ है, इसका रेफरेंस कौन कौन सा है, सब कुछ डिटेल, सब कुछ, उसने क्या क्या टिल डेट से आज तक ट्रीटमेंट क्या क्या लिया, वो सब हमने वो मेंटेन करके रखा है। तो ये टेक्नोलॉजी डे वन से मैंने, अगर टेक्नोलॉजी, अगर आप देखो कोई भी फील्ड होता है, टेक्नोलॉजी बिना तो सर्वे हो ही नहीं सकता। रोबोटिक सर्जरी देखो, कैंसर को, गायनेक देखो, पीडियाट्रिक, हर एक में टेक्नोलॉजी, एक्सरे देखो, सोनोग्राफी, MRI, CT स्कैन, कितनी सारी चीज आती। तो बिना टेक्नोलॉजी हम तो बोलते कि हम तो डॉक्टर इंजीनियर को सैल्यूट करना चाहिए कि अगर इंजीनियर है तो हम है, क्योंकि ये सब इंजीनियरिंग की ब्रांच वाले ने हमें जो दिया है, हम तो एंड यूजर है, अल्टीमेटली पेशेंट तो बेनिफिशियर है पर यूजर हम है। तो इससे टेक्नोलॉजी से अगर आपको ग्रो होना है, अगर आपको मल्टी सेंटर चलाना है, तो विदाउट टेक्नोलॉजी यू कैनॉट डू एनीथिंग। तो ये मैंने सबसे पहले टेक्नोलॉजी का इम्पोर्टेंस यूएसए और सिंगापुर में देखा। और जैसे आपने भी बताया कि 6 लाख से भी ज़्यादा हैप्पी आपका पेशेंट है, वो इतना सारा कैसे मतलब पॉसिबल हुआ है?
वैसे तो सबको हैप्पी रखना बहुत मुश्किल है। आप देखो आपके घर में भी आपके अगर 3 बच्चे हैं तो 2 आप बच्चे आपसे खुश होते हैं, एक आपसे दुखी होते हैं। yes. ऐसा नहीं होता है पर बोला कि आप मेरा कम ध्यान रखते yes. हो। पर हर एक फील्ड में yes. आप देखो आपके 10 एम्प्लॉय होता है तो आपको लगे कि भाई 9 एम्प्लॉय को ऐसा लगता है कि ये इसको ज्यादा ध्यान रखते हैं, इसको प्रमोशन ज्यादा दे, इसको इंसेंटिव, इसको इंक्रीमेंट ज्यादा दे, ऐसा होता है। तो वैसे भी हमने प्रयास तो सबको किया क्योंकि जो हमारे लिए पेशेंट सब कुछ है, पेशेंट है तो हम है डॉक्टर। हमारा मैक्सिमम तो कोई भी डॉक्टर का, मेरा नहीं कोई भी डॉक्टर का अल्टीमेटली ध्येय तो ये होता है कि पेशेंट जल्दी से ठीक होए, जिसकी yes. बीमारी ठीक होए, कम से कम कॉस्ट में ठीक होए। हम तो प्रयत्न ही करते हैं। हम तो मेडिकल फील्ड अनप्रिडिक्टेबल है। yes. कब क्या हो सकता है, कुछ होता है कुछ नहीं। हाँ मानो कि 10 में से 8 हम सही रहते हैं, 2 में आगे पीछे हो जाता है। yes. कोई भी टेक्नोलॉजी होता है क्योंकि टेक्नोलॉजी फिक्स रहती है, पेशेंट बदलते रहते हैं। मानो लेजर हेयर रिमूवल का एग्जाम्पल दे तो पेशेंट ब्लैक आता है, व्हाइट आता है, सेंसिटिव स्किन, पतली स्किन, ऑयली, बहुत सारे अलग अलग रहता है, एज अलग अलग होता है, पर मेल की अलग स्किन होती है, फीमेल की स्किन, बच्चे की स्किन, तो वेरी मशीन फिक्स है तो पैरामीटर सेट कर तो कभी कभी आगे पीछे हो जाता है। परंतु हमारा अभी हमारा जो हमारा तो क्या डेटा बेस होता है, हम पेशेंट की फीडबैक लेते हैं। पेशेंट आज आया, ट्रीटमेंट लिया, दूसरे दिन हमारा कॉल जाता ही जाता है, पेशेंट कोई कोई उठाते नहीं, अलग चीज़ें। इससे हमें फीडबैक सिस्टम मिलता है कि भाई कौन पेशेंट हैप्पी है। तो हमारा 89% सक्सेस रेट है, वो कोई भी हेल्थ सेक्टर में हाईएस्ट है। यस, क्योंकि 60-70% आप चाहे कितना भी अच्छा करो, पेशेंट को कभी 3 चीज से पेशेंट कभी खुश नहीं रहते। एक तो ट्रीटमेंट का रिजल्ट से खुश रहते हैं और नहीं रहते, नहीं रहते। दूसरा कि डॉक्टर एकदम इंटेलिजेंट होता है, नॉलेजेबल होता है, पर डॉक्टर का अप्रोच अच्छा नहीं लगता। भाई डॉक्टर ने मुझे ध्यान से नहीं देखा, उसने इग्नोर किया, 5 मिनट में मुझे भगा दिया, मेरे से बात नहीं की, मेरी बीमारी के बारे में कुछ डिटेल में नहीं पूछा, ऐसा वगैरह होता है। तीसरा होता है स्टाफ से, इकोसिस्टम, जो भाई रिसेप्शनिस्ट हमें 2 घंटा बिठा दिया, बराबर, ऐसा अलग अलग होता है। तो कहीं ना कहीं ये हमारा टच पॉइंट होता है। हमने क्लिनिक में 11 टच पॉइंट हमने आइडेंटिफाई किया। टच पॉइंट क्या होता है कि भाई क्लिनिक से फोन आया, सबसे पहले तो टच पॉइंट है मार्केटिंग से, भाई एक हमने एक अच्छा एक वीडियो बनाया कि भाई एक ने स्कार के लिए एक हमने वीडियो बनाया तो पेशेंट ने देखा कि भाई नहीं, ये तो वीडियो में नॉलेज अच्छा दिया है, एक प्रॉपर दिया है कि भाई इसका सॉल्यूशन क्या क्या होता है। तो ये टच पॉइंट है पहला। दूसरा, ये वीडियो देखने के बाद वो अपॉइंटमेंट लेते हैं। तो हमारा जो क्लिनिक का जो सेंट्रल हेल्पलाइन है इसमें वो फोन करते हैं, तो दूसरा टच पॉइंट ये हुआ। पहले टच पॉइंट में अगर मैंने वीडियो सही नहीं बताया तो पेशेंट यहाँ से गया, वहाँ से चले तो, जाते हैं, ये तो प्रोडक्ट सेल कर रहा है, ऐसा है। अगर मैंने पेशेंट को प्रॉपर गाइड किया है कि भाई आपका ये प्रॉब्लम है, आपका ये सॉल्यूशन है और हमारे पास ये टेक्नोलॉजी, तो उसको अच्छा लग गया। फिर वहाँ से जैसे अपॉइंटमेंट बुक किया तो अपॉइंटमेंट में भी अच्छा लग गया, भाई नहीं मेरे से अच्छी बात किया, मुझे प्रॉपर गाइड किया, लोकेशन बताया, यहाँ पहुँचो, इतने बजे आ जाओ। तीसरा टच पॉइंट है पेशेंट क्लिनिक में आए तो रिसेप्शनिस्ट से, भाई रिसेप्शन ने आके सही बात नहीं किया तो भी गड़बड़ हो गया। चौथा टच पॉइंट होता है सीधा डॉक्टर के पास आए। बराबर, कि भाई डॉक्टर से, और हमारे में एक पांचवा टच पॉइंट है फोटोग्राफी। हमारा क्या फेस में फोटोग्राफी हम लेते हैं, प्री पोस्ट पिक्चर देखा, मानो कि आप पहले ऐसा था उसके बाद क्या चेंजेस हुआ उसके लिए। रिसेप्शन के बाद फोटोग्राफी लेते हैं, फोटोग्राफी के बाद डॉक्टर के पास आते हैं। डॉक्टर के पास आने के बाद वो काउंसलर के पास जाते हैं। डॉक्टर पूरा साइंस समझाते हैं कि भाई आपका मानो कि एक्जिमा है, इसमें 6 महीने की दवाई चलेगी, ये दवाई चलेगी, आपकी हिस्ट्री, पास्ट क्या हिस्ट्री, है, फैमिली हिस्ट्री, बराबर, किससे बढ़ता है, किससे कम है, तो पूछ के फिर इसकी मानो के जो ट्रीटमेंट है उसका कॉस्ट फैक्टर वो काउंसलर समझाए, क्योंकि डॉक्टर के पास इतना अगर सब कुछ समझाने जाए तो फिर पेशेंट का वेटिंग ज़्यादा हो जाएगा। तो काउंसलर के पास प्राइस फैक्टर वो सब बताने जाते हैं, तो इसका बात का टच पॉइंट ही है। काउंसलर फिर वो बिल जनरेट करते कि भाई मानो के भाई 2000 रुपये की ट्रीटमेंट है, इसको कुछ PRP है, कोई भी चीज़ इंजेक्शन है, तो वो जाता है कैशियर के पास। और कैशियर वो ऐसे बैठे हैं, बराबर, वेलकम नहीं होता है, तो अल्टीमेटली तो जनरेट तो वही होता है। तो कैशियर मानो के जो भी मानो के UPI लिंक होती है, कैश इसके पास नहीं होता है, कुछ भी हेल्प मतलब कैशियर के पास जाता है। फिर थेरापिस्ट के पास जाता है, थेरापिस्ट ट्रीटमेंट करता है। ट्रीटमेंट के बाद वो पूरी ट्रीटमेंट खत्म होने के बाद वो मेडिकल स्टोर पे जाता है। अगर मेडिकल स्टोर ने भी गलत दवाई दे दिया, उल्टा सुलटा समझा नहीं दिया, वो ज़्यादा बिल का चार्ज दे दिया, तो वो भी टच पॉइंट वेस्ट हो जाता है। इसके बाद वो वापस हमारा दूसरा जो टेबल होता है कि री अपॉइंटमेंट के लिए, नेक्स्ट टाइम कब आना है, कब आना, तो री अपॉइंटमेंट के लिए जाता है। तो एक टच पॉइंट हो गया, फिर घर पे गए, फिर दूसरे दिन कॉल आता है कि भाई आपको कैसा रहा। ये भी टच पॉइंट है। इसके बाद जो नेक्स्ट अपॉइंटमेंट के एक दिन पहले जो फोन आता है कि आपकी कल अपॉइंटमेंट है, आपको आना है, तो भी टच पॉइंट है। तो इतना टच पॉइंट है
तो इससे क्या होता कि ये इकोसिस्टम पूरी बिल्ड हो गई और सब लोग प्रयत्न करते हैं कि भाई मेरा टच पॉइंट से कोई पेशेंट दुखी ना हो। तो हमने ये डे वन से स्टार्ट किया है, तो इससे हमें बहुत फायदा, और हमारा 89% मेडिकल फील्ड में 89% पेशेंट से बहुत अच्छा रहता है। आपने बहुत डिटेलिंग में इस पे ऊपर काम किया है कि पेशेंट की हर एक बात की, हर एक मूवमेंट के ऊपर आपने, मतलब 11 में से कोई भी टच पॉइंट ऐसा हो जहाँ पे कस्टमर को अच्छा नहीं लगा पेशेंट को, तो भी छोड़ के जा सकता है और वो हमारे पास आ भी जाता है। यस, क्योंकि जब फीडबैक के लिए फोन करता है वो पेशेंट बोला कि हमने वो थेरापी सिस्टम ट्रीटमेंट सही नहीं किया, मतलब फॉल्ट किसका है वो आपको समझ में आ जाता है। हम बताते नहीं है, बस जब एक्युमुलेट होता है तब ट्रेनिंग सेशन रख देते हैं। यस, ये मेजोरिटी को ये प्रॉब्लम आता है, यह ध्यान रखो आप। ओके, उसके बाद 6 लाख से भी ज़्यादा हैप्पी पेशेंट है आपका, तो आपको ऐसी कोई मूवमेंट है या ऐसी कोई चीज़ है जिसके ऊपर आपको खुद को प्राउड हो रहा है? अरे वाह, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहले तो मैं, मेरी डर्मेटोलॉजी ब्रांच है ना, मुझे बहुत पसंद है। डर्मेटोलॉजी मेरी चॉइस की ब्रांच थी, क्योंकि हाँ शुरू में डे वन से ऐसा नहीं था कि डर्मेटोलॉजी मुझे पसंद है, बराबर। परंतु जैसे शुरू में तो मैं वापस आ गया था, मुझे ये ब्रांच में एडमिशन नहीं लेना है, बराबर। yes. ये तो एकदम ड्राई ब्रांच है, इसमें तो सब गरीब लोग आते हैं, इसमें जो क्या बोलते रीत लोगों को तो चमड़ी का बीमारी होती ही नहीं है। yes. तो सिर्फ गरीब लोगों से मतलब लोगों का सोचना ऐसा था, तो इसमें तो कभी इनकम होगी नहीं। और हम तो मिस, हमारा क्या होता है गायनेक सर्जन होते हैं चमड़ी के डॉक्टर को ऐसे गरीब से देखते कि ये बेचारा क्या करेगा। यस, पर मैंने चॉइस से लिया, मुझे तब सर्जरी में भी मिलता था, पैथोलॉजी एनएससी ऑप्थेल्मो में मिलता, पर मैंने डर्मेट लिया। तो सबसे पहले मेरा पोस्टिंग था लेप्रसी में, लेप्रसी वहाँ हमारा जामनगर एमपी सा मेडिकल कॉलेज में एक लेप्रसी अलग। लेप्रसी में क्या होता है कि उंगला जो आप देखे कभी बराबर, और मेरे ग्रैंडफादर जो थे वो नवाब के ज़माने में स्कूल में प्रिंसिपल थे गोंडल में। यस yes. तो वो ह्यूमैनिटी हमें बहुत सिखाते कि भाई आप मानवता रखो। यस yes. और वो उसके पेंशन का 1200 रुपये में से 900 रुपीस बच्चे को खिलाड़ में निकालते हर महीने, हर महीने उसका, फिर 300 में वो पूरा घर चलाते जो भी एक। तो वो हमने देखा था, वो ऐसा उसने 15 साल किया। Yes. तो मेरे फादर भी ऐसे करते थे, चैरिटी करते थे, बराबर। तो वो हमारे घर में से वो जींस में आया कि भैया आप लोगों का कुछ ना कुछ भला करते रहो, बराबर। मैं क्योंकि स्किन डिजीज बहुत है, 5000 स्किन डिजीज है, इतना ह्यूज पॉपुलेशन है। अब मैं सूरत में जब आया था 1998 में, तो डायमंड में तब इतना एसी नहीं था। yes. एक कोल्ड में इतना 100-200 लोग बैठे, लोग बैठे थे। इसके भी खस बोलते फंगल इन्फेक्शन को, एक दूसरे पर कपड़े लगा देते तो रोग बहुत बढ़ते थे, बरो? जब भी मैं कोई घर में ऐसे जाता हूँ तो वहाँ भी बस 10-15 पेशेंट आ जाते हैं। yes. यह होता है, यह होता। तो मैंने सोचा कि ये डिजीज तो बहुत ज़्यादा है और पेशेंट और डॉक्टर दोनों के पास टाइम नहीं है। Yes. डॉक्टर को ये समझाने का टाइम नहीं है कि आप ये ध्यान रखो तो आपको बार बार नहीं होगा। yes. और पेशेंट को भी इंटरेस्ट नहीं, कभी ठीक हो गया ना बस निकलो। yes. अभी सॉल्यूशन मिल गया तो बात करता हूं। रिकरेंस का जो होता है प्रिवेंटिव पार्ट था ही नहीं। प्रिवेंटिव डर्मेटोलॉजी जो फॉरेन में क्या होता है, सबसे ज्यादा वो प्रिवेंटिव डर्मेटोलॉजी में ध्यान रखते हैं कि वैक्सीन क्यों है, प्रिवेंटिव। तो ये अभी जो मेन फोकस है प्रिवेंटिव मेडिसिन पे है कि भाई बीमारी बार बार ना हो जाए। तो मैंने ये ब्रांच में एडमिशन जब मैंने लिया तो ये इतना चाम नहीं था। yes. मैंने सोचा कि इसका स्केल ऑफ बहुत है, गुजराती है। yes. तो देखा कि स्केल बहुत बड़ा है। yes. इसका जो बोलते हैं बिल्डिंग का टेरेस ही नहीं है, जितना है। चलते जाओ सर्जरी में। और ये स्केलेबल है कि सर्जन मल्टीपल क्लिनिक नहीं कर सकते। yes. बराबर, इसमें दिक्कत है क्योंकि सर्जरी में ये हमारे में मानो कि अगर अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को ट्रेन किया बराबर और टेक्नोलॉजी की हेल्प से आप yes. मल्टीपल कर सकते हो। okay. वो 25 साल पहले सोचा yes. कैसे होगा पता मतलब नहीं पहले का देखा था भाई फ्यूचर में ये सब आने हो सकता है। फ्यूचरिस्टिक में बस सोचता बहुत हूँ, रात को मैं 1:30-2 बजे सोता हूँ, पर yes. सब सो जाते तब ज्यादा थिंकिंग करता हूँ क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, ये दिलमागे मोर। और रात को फिर इंटरनेशनल खुला रहता है, जो भी पॉडकास्ट जो आता आता है yes. देखता रहता हूँ, कोई भी टॉक रहता है, कोई इंटरनेशनल कोर्स रहता हो, तो देखते देखते फिर मैंने देखा भाई डर्मेटोलॉजी ब्रांच में। और 4-5 इंसिडेंस ऐसा रहा स्किन डिजीज में कि चमड़ी की बीमारी के वजह से शादी नहीं होती थी। yes. मान लो व्हाइट स्पॉट हो गया तो वो शादी टूटने हमने देखी है।
बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं पिंपल्स की वजह से, काफी एयरलाइंस में उसको एयर होस्टेस को रिजेक्ट कर देता है, बराबर। प्रमोशन में तकलीफ रहती है, अपॉर्चुनिटी सब जी, मैट्रिमोनियल होता है, लड़के को लड़की पसंद नहीं है, लड़की को लड़के, ऐसा काफी चीज होता है। अभी तो ये मेन हो गया है, पहले तो थोड़ा था, अभी तो पहले जो हमारे में क्या होता है कि सबसे पहले फैमिली देखते थे कि भाई फैमिली कैसा है, बराबर। दूसरा देखता है कि दूल्हे का कैरेक्टर कैसा है, तीसरा देखता है इसकी इनकम कितनी है, और चौथा इसका लुक देखते हैं। अब रिवर्स हो गया, पहले लुक देखते हैं, लुक कैसा है। यस, अगर लड़के को लड़की का फोटो दिखाया कि भाई ये लड़की देखना है, तो फोटो देख, नहीं नहीं उसको नहीं देखना है, बाकी कुछ नहीं देखते, बाकी अरे भाई तू फिजिकल एक बार आ तो गई, इस फोटो में तो आगे पीछे हो सकता है। यस, परंतु नहीं, तो ऐसा तो अभी ये रिवर्स हो गया, वो अच्छा नहीं है, पर अभी ट्रेंड है। यस, इसमें आप ज्यादा कुछ कर नहीं सकते हो, आप अवेयरनेस ला सकते हो, परंतु सबसे पहले लुक हो गया। यस, लुक की वजह से लोगों को इन्फेरियरिटी कॉम्प्लेक्स, डिप्रेशन हो गया, सुसाइडल टेंडेंसी हो गई, ये सब स्किन डिसीज में ये बहुत ज्यादा हो गया। काफी लोग हेयर फॉल के लिए डिप्रेशन में आ गए, मेरा हेयर फॉल हो गया तो डिप्रेशन में, तो ये सब बहुत तकलीफ थी स्किन डिजीज में। फिर मैंने सोचा कि ये ब्रांड सही है और इसमें जम के रखो। फिर मेरा क्या बोलते हैं, डेडिकेशन, पैशन, जो मेरा क्या है कि पूरी मेरी लाइफ का 80% जो पार्ट है वो डर्मेटोलॉजी की थिंकिंग में ही था। यस, और जैसे आपने भी बताया कि भाई टेंशन की इतनी वजह से है कि हेयर फॉल का भी इश्यू होता है, तो सच में क्या यही रीज़न होता है जो छोटी छोटी उम्र में भी बहुत सारे लोगों का हेयर फॉल का आजकल इश्यू हो गया है? डेफिनेटली, क्योंकि हेयर फॉल जो होता है ना, ये सिर्फ ऐसा नहीं कि डेफिशिएंसी, ये मल्टी फैक्टर है। सबसे पहले जो मेन होता है जेनेटिक, 90% होता है जेनेटिक होता है। यस, मैटरनल साइड और पैटर्नल, मदर के साइड और फादर के साइड इश्यू होता है, मेल फीमेल दोनों में होता है। दूसरा होता है हार्मोनल इम्बेलेंस होता है, फीमेल में PCOD के जो होते हैं हार्मोनल चेंजेस के लिए, और मेल में भी हार्मोनल, मानो कि बॉडी में बहुत बार होता है तो यहाँ कम हो जाता है, इम्बेलेंस बोलते हैं। यस, जहाँ आना चाहिए नहीं होता है, नहीं आना चाहिए कुछ बढ़ जाता है, फिर या हेयर रिमूवल के लिए आते हैं और या ग्रो के लिए आते हैं। वैसे हमारा तो दोनों फायदा है, पेशेंट का सोल्यूशन मिलता है। तीसरा होता है स्ट्रेस, वन ऑफ द कॉमनेस, अभी स्ट्रेस सब जगह पे, सब टारगेट बेस में सब काम कर रहे हैं, करते हैं बराबर, टाइम बाउंड में काम कर रहे हैं बराबर, नाइट में काम करते हैं, काफी चीज ऐसी होती है जिससे स्ट्रेस आता है। स्ट्रेस होता है, इनकम का स्ट्रेस होता है, रिलेशन का स्ट्रेस होता है, काफी स्ट्रेस होता है, बराबर। तो स्ट्रेस की वजह से नंबर वन, स्ट्रेस से तीन बीमारी होती है, एक एसिडिटी होती है, एक BP हाइपरटेंशन रहता है, तीसरा हेयर फॉल होता है। ये तीन चीजें होती है, तीन चीज होती है स्ट्रेस से होती है, ये अवॉइड करो तो तीनों में फायदा रहता है। यस, चौथा होता है मेरे को डेफिशिएंसी, विटामिन्स डेफिशिएंसी, जो बैलेंस डाइट लेते हैं, अभी जंक डाइट इतना हो गया। yes. तो इससे क्या है कि कार्बोहाइड्रेट ही ज़्यादा जाता है, प्रोटीन बहुत कम जाता है, बराबर। तो हमारा बाल 90% प्रोटीन से बना है। yes. बाल में फैट नहीं होते, बाल में कार्बोहाइड्रेट नहीं होते, आप बाल देखो, कीड़ी कभी बाल में नहीं बैठेगी, नहीं बैठेगी। yes. इसको कार्बोहाइड्रेट फैट चाहिए, इसमें प्योर प्रोटीन रहता है, तो प्रोटीन डाइट तो हमारा गुज्जू में वैसे भी कम रहता है। यस, तो और ये जंक फूड से और बाहर का खाना अभी तो बहुत ज़्यादा हो गया है। फिर है पोल्यूशन, पोल्यूशन का हेयर पे बहुत इम्पेक्ट है। पोल्यूशन तीन, हम जो सांस लेते हैं वो भी अंदर जाती है। yes. हम खाना जो खाते हैं, जो फर्टिलाइजर जो यूज़ होते हैं, जो फ्रूट्स में वेजिटेबल्स में जो आते हैं पर, तो उसमें भी आते हैं। yes. तो सांस में जाता है और कॉन्टेक्ट भी होता है स्किन, तो बाल में डायरेक्ट कॉन्टेक्ट आता है, तो UV रेस से डैमेज होता है, पोल्यूशन से जो इसमें केमिकल्स आता है। yes. तो एनवायरमेंट फैक्टर। पांचवा जो होता है कि ड्रग इंड्यूस, काफ़ी लोग छोटी छोटी बीमारी के लिए बार बार ड्रग लेते हैं, जिम वाले जो स्टेरॉइड वाला पाउडर लेते हैं, इससे है क्योंकि वो टेस्टोस्टेरोन बेस होता है। yes. तो बाल उड़ा देता है। yes. तो बरो ये ऐसा होता है, कोई बीमारी से होता है, कोई TB की दवाई है, कोई टाइफोड, डेंगू, इसके डेंगू इवन प्रेगनेंसी के 2-3 महीने के बाद बहुत बाल जाते हैं। yes. तो वो बीमारी और ड्रग इंड्यूस होता है। yes. तो ऐसे अलग अलग रीज़न होता है। डर्मेटोलॉजिस्ट जो होता है ना, वो एक्चुअल वो कोज आइडेंटिफाई करके दवाई देते हैं। yes. इसमें PRP आता है, इसमें एक्सोसोम आता है, इसमें स्टेम सेल आता है, मेजोथेरापी आती है, मेडिकेशन आती है, विटामिन सप्लीमेंट, एक्चुअली जो चाहिए मिलेगा। yes. अभी हमने देखो आदिवासी ऑयल, वो हर एक को एक ही देता है ना, तो yes. हर एक का प्रॉब्लम अलग है। तो एक ही चीज हमने भी जड़ी बूटी ऑयल निकाला है, क्योंकि ऐसे इससे डायरेक्ट हेयरफॉल अंदर, जो कोई भी ऑयल अंदर नहीं जाता है। yes. वो आपके स्काल को एनवायरनमेंट ठीक करता है। एनवायरनमेंट ठीक करने से क्या होगा, इन्फ्लामेशन, सूजन कम रहती है, बैक्टीरिया, फंगस,
आपका हेयर का जो ब्रेकेज होता है, जो इलास्टिक कवर होता है वो सब ठीक होता है, परंतु जो रूट जो होता है नीचे रहता है। yes. तो ऐसा नहीं कि कोई भी तेल से आपका हेयर फॉल बंद हो जाएगा और बाल वो हेड में जो इतना लंबे देखे, नहीं पॉसिबल नहीं है। इंडिया में चलता है, एब्रॉड में एक भी यूएस कंट्री में आप देखो एसी ऑयल की जायरत नहीं दे सकते, वो बाल लग जाता है। देखिए आपको एविडेंस देना पड़ता है कैसे करता है वो ये सब, क्या चार पांच सेलिब्रिटी को लग के फिर स्टार्ट कर दिया तो सब फॉलो करते हैं। हमारे इंडिया में तो क्या रहता है, सेलिब्रिटी है तो उसको बस आइडल मानते हैं, उसी प्रोडक्ट को बेस्ट मानते हैं, मुकेश अंबानी नहीं लगाते। सही बात है, बराबर, ये सही बात है, इतना इफेक्टिव नहीं, ऐसा नहीं होता है, हरेक में ऐसा नहीं था। ये 1+1=2 नहीं है, हम रूम में जितने लोग बैठे तो हरेक का डीएनए अलग होता है, हरेक की टेंडेंसी अलग होता है, हरेक का डिजीज का स्टेज अलग अलग होता है, और वो स्टेज में मेडिसिन का जो रिस्पॉन्स होता है वो भी अलग 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 होता है। तो डेंगू देखो, अभी डेंगू में किसी को अभी कितने, अभी 22-23 साल के लोग एक्सपायर हो रहे हैं। यस, बहुत छोटी एकदम नॉर्मल होते हैं, अचानक एक दिन में क्या हो जाता है, डिटेरियोरेट चला जाता है, ऐसा होता है। तो मानो कि 10 में से 100 में से मानो कि 99 को कुछ नहीं होता है, पर एक कौन आता है किसी को पता नहीं है। यस, तो ये सब ऐसा चीज होता है कि मेडिकल चीज होता है, अनप्रिडिक्टेबल होता है। पर हेयर फॉल में आपको क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट को बता के आपको रूट कोज एड्रेस करके ट्रीटमेंट लो तो लॉन्ग टाइम बेनिफिट मिलता है। ओके, और जैसे आपने बताया कि 31 से भी ज्यादा स्किन क्लिनिक है अभी आपका, तो इतने सारे क्लिनिक को आप मैनेज कैसे करते हो? वही बोला, टेक्नोलॉजी, चार चीज होता है कोई भी क्लिनिक को, कोई भी बिजनेस को, सिर्फ क्लिनिक नहीं कोई भी बिजनेस का ये फंडामेंटल रूल है। yes. कि सबसे पहले टीम अच्छी होनी चाहिए। yes. अगर टीम सही नहीं है तो भी प्रॉब्लम है। yes. आप चाहे कितना भी नॉलेजेबल है, पर जो एग्जीक्यूशन हो आप हर एक चीज खुद नहीं कर सकते। चलो रतन भाई टाटा। yes. अगर वो चाहे कितना भी देखो, नैनो तो बनाने वाले तो कोई और ही है। yes. Yes. तो ये टीम बहुत इफेक्टिव है। दूसरा होता है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी हम सॉफ्टवेयर, हमने फ्यूचरिस्टिक सॉफ्टवेयर बनाया कि 500 क्लिनिक अगर बनाई तो भी यही सॉफ्टवेयर जाके चल जाएगा। तीसरा होता है कि टेक्नोलॉजी हमारी मेडिकल साइंस की टेक्नोलॉजी। yes. तो मशीन जो होता है इसका SOP बोलता है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, हर एक जगह पे आपको सेम एक्सपीरियंस मिलना चाहिए, वरना फिर क्या कि मेन क्लिनिक में भी ज्यादा भीड़ रहता है। SOP बहुत इंपॉर्टेंट है कोई भी स्केलेबल के लिए बिजनेस के अंदर, बराबर। और चौथा होता है इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर आपका अच्छा होना चाहिए। आपका देखो कितना मस्त इंफ्रास्ट्रक्चर, मैं एकदम खुश हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, आपने भी बहुत लंबा सोचा है। तो ऋत्विक एंड योर टीम विश यू ऑल द बेस्ट, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपकी टीम बहुत ऊपर जाएगी। और सर आपको 27 का इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो उसका कुछ की लर्निंग आप शेयर कर सकते हो? यस, क्योंकि ये जो हमने सालों की मेहनत से सीखा है, तो ये खास तो हमारे डर्मेटोलॉजिस्ट में जो बिगिनर है उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहता है, और बाकी जो भी है कोई भी स्टार्टअप का भी करते हैं तो उसके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। सबसे इम्पोर्टेंट है लर्निंग, आप लर्निंग कभी छोड़ना नहीं, बराबर। ये एक बहुत, आप देखो चाहे 50 साल से भी कोई डॉक्टर होता है कि इसकी 50 साल की प्रैक्टिस है, वर्ड तो प्रैक्टिस ही आएगा, वो बोला कि 50 साल से फिर भी प्रैक्टिस। Yes. तो डॉक्टर हमेशा एवर हमारी ब्रांच में सीखना कभी रुकने वाला नहीं है। कुछ तो नया नया जो इन्वेस्टिगेशन, नई ड्रग आती है, नई मशीनरी आती है, एक ही मशीन का अलग अलग प्रोटोकॉल बनता है, बराबर। yes. इससे पेशेंट को बहुत फायदा है। तो सबसे पहले लर्निंग, और लर्निंग कोई भी जगह से सीख सकते हो, इवन हमारे जूनियर से हम सीख सकते हैं। yes. सीनियर से सीखते हैं, दूसरी ब्रांच से भी सकते हैं, ऐसा नहीं कि भाई डर्मेट में ऑप्थेल्मो में कुछ नहीं आया, और फेमको टेक्नोलॉजी ऑप्थेल्मो में है तो डर्मेट में भी आ सकता है। yes. ऐसे रेडियोलॉजी में कि स्किन की सोनोग्राफी भी आ सकती है। yes. बराबर, तो काफ़ी चीज़ होता है, बायोप्सी में भी काफ़ी नहीं है। तो लर्निंग सबसे मेन है, दूसरी टेक्नोलॉजी का एडॉप्शन चाहिए, बराबर। विदाउट टेक्नोलॉजी इसमें आप अच्छा काम कर रहे हैं, बराबर, आप दूसरे के बिजनेस बड़ा करने में हेल्प कर रहे हैं, तो टेक्नोलॉजी का यूज जरूर कीजिए। तीसरा जो होता है कि आपको कंसल्टेंट रखना चाहिए, बराबर। मेरा चार कंसल्टेंट है, एक है मोटिवेशनल भी, कभी कभी लगता है अभी लाइफ में क्या करना है, थक जाते हैं, अभी आज से मैं बंद करूँ तो काफ़ी साल तक कुछ नहीं करूँ तो भी चलता है, बराबर, फिर भी, तो इसमें भी मोटिवेशन मिलता है। yes. फिर जो आता है फाइनेंस कंसल्टेंट, तो डॉक्टर जो होता है फाइनेंस में यूजुअली पुअर होता है, हमें yes. क्या, हमने पढ़ने में, हमारा 30 साल पढ़ने में निकल जाता है, तो फाइनेंस पार्ट कभी आता ही नहीं, इसमें चार्टर्ड अकाउंट का नॉलेज नहीं होता है, इसमें हमने GST का कुछ नॉलेज नहीं होता, तो ये
कंसल्टेंट रखना चाहिए, सर हर एक चीज खुद सीखने की जरूरत नहीं, इसका कंसल्टेंट होता है। जैसे टेक्नोलॉजी में आप कंसल्टेंट है तो सॉफ्टवेयर खुद तो नहीं बना सकते, कोई तो चाहिए हमें, तो हमेशा एक्सपर्ट का गाइडेंस लेना चाहिए। और चौथा जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, वर्क लाइफ बैलेंस भी रखना चाहिए, क्योंकि कभी कभी हम इतना काम करते हैं तो फैमिली भी छूट जाती है। तो हमें मैंने वो शुरू में ही पहले से रखा है, वैसे 5 साल तो मैंने भी इतना काम किया, लड़के को मैंने ऐसे बड़ा होते देखा है, क्योंकि सुबह 8 बजे जाता हूँ तो सोते रहते हैं, रात को 1 बजे आता हूँ तो भी सोते रहते हैं, ऐसे ही बड़ा हुआ है। तो जो मैंने गलती की सबको नहीं करना चाहिए, आपको पहले से फैमिली को और क्या बोलते हैं काम के समय काम और फैमिली के समय फैमिली, बराबर। तो वर्क लाइफ बैलेंस बहुत जरूरी, तो 4 चीज जो होता है आपको अगर जिंदगी में रखो तो आपको बहुत दिक्कत नहीं आएगी, बराबर। मेनली जो होता है कि लर्निंग जो होता है ना, ये आपको कभी कुछ ना कुछ चीज आप पढ़ो, वीडियो अभी तो कितना ऑप्शन आ गया, ऑनलाइन भी अभी तो बहुत कुछ देख सकते हैं, बुक आ गई है, आप देखो ऑडियो होता है, ये पॉडकास्ट भी, यस बहुत सारे होते हैं। और आप इतनी सारी ब्रांचेस चलाते हो, तो सबसे बड़ी ऐसी कोई चैलेंज आती है कि आप जब भी नई कोई ब्रांच ओपन करते हो, या तो ओवरऑल कोई ऐसा कोई कॉमन प्रॉब्लम आता है? सबसे पहले ब्रांच में जो एक ह्यूमन मेंटालिटी होती है कॉम्पिटिशन, मेरे यहाँ से सीख के गए और खुद चालू कर दिया तो तो वो कभी सोचना नहीं, क्योंकि मेरे नीचे से 100 डर्मेटोलॉजी पास हुए, बरो मैंने 100 डर्मेटोलॉजी को ट्रेनिंग दिया, तो भी मैंने जितनी ट्रेनिंग दी इतना मेरा नॉलेज बढ़ता गया, समझ गया ना, बरो। तो ये मेरे से सब कुछ मेरा सीक्रेट सीख के चले, मेडिकल में कुछ सीक्रेट नहीं है, बरो ऐसा तो वो एक दिमाग से निकाल देना चाहिए। चैलेंज ये थी टीम बिल्डिंग, टीम में क्या होता है, मानो कि मैंने एक थेरापिस्ट को तैयार किया, मैंने 15,000 सैलरी दिया, मेरे साथ 3 साल से, और कोई किसी नई क्लिनिक किसी ने खोला, वो सीधा 20,000 दे के लेके जाता है, उसको तो कि मेरी 3 साल की मेहनत जो ट्रेनिंग है उसको सीधा 5,000 एक्स्ट्रा लेके मिल जाता है। तो वो फिर हमने वो भी आइडेंटिफाई किया, कोई ट्रेनिंग जो थी हमने एकेडमी हमारी खुद की बना दी है कि यहाँ से ट्रेनिंग दे के 2 साल तक हमारे पास रखते हैं, बराबर। फिर वो हमारा हिस्सा ही बन गया, एक एम्प्लॉय अगर आपके पास 2 साल टिक गया तो एक फैमिली का हिस्सा ही बन गया, फिर उसको फिर छोटी मोटी प्रलोभन से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो मेन जो होता है टीम बिल्डिंग जो होता है, आपका एम्प्लॉय के साथ का बॉन्ड आपका अच्छा होना चाहिए, उसकी छोटी छोटी प्रॉब्लम का ध्यान रखना चाहिए, वो बहुत इससे क्या लॉन्ग टर्म रिलेशन रहता है। मेरा काफ़ी एम्प्लॉय तो 20-20 साल से मेरे साथ है, तो ये टीम बिल्डिंग इम्पोर्टेंट है। चैलेंजिंग सबसे मुझे यह आता है कि सूरत में तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, हमने जयपुर खोला, हमने दिल्ली खोला, हमने रायपुर खोला, पुणे खोला, तो मल्टी लोकेशन का जो होता है, मानो कि यहाँ पेशेंट आया अब ये बोला कि मैं तो जयपुर रहता हूँ तो अभी दूसरी बार वहाँ चले जा, तो प्रॉब्लम था कि भाई यहाँ हमने जो ट्रीटमेंट प्लान किया है वो डॉक्टर को कैसे समझाए, परंतु ये जैसे टेक्नोलॉजी आ गई, SOP बन गया, इसका प्रोटोटाइप बन गया, तो ये क्या सॉफ्टवेयर यहाँ खोले, वो पेशेंट जयपुर में खोलेगा तो इसका पूरा सीधा वो डॉक्टर देख सकता है, उसका प्लानिंग ट्रीटमेंट होता है वो सही, इसी फिर हमारा काम एकदम इजी हो गया, तो मल्टी लोकेशन टेक्नोलॉजी की वजह से हमारा काम एकदम इजी गया। सबसे पहले तो क्या है कि पेशेंट और डॉक्टर को फेस देखते हैं, बराबर, कि भाई मुझे तो ये डॉक्टर जगदीश सखिया को दिखाना है, बराबर, तो पॉसिबल तो नहीं है कि हर एक जगह पे आप पहुंच सकते हैं, और मैं मेरे कितना भी मेरा नॉलेज है तो मैं दिन का 100-150 पेशेंट से ज्यादा नहीं से देख सकता, एक लिमिट होती है, यहां तक ही ले सकते हो। सूरत की पॉपुलेशन 80 लाख है, इंडिया के 140 करोड़, इतनी एक्सपर्टाइज है, इतना नॉलेज है, तो हो सके अगर डिस्ट्रीब्यूट करें तो इससे लोगों को भी अच्छा रहे, और एक पूरी डर्मेटोलॉजिस्ट की इकोसिस्टम डेवलप हो। पहले डर्मेटोलॉजी ब्रांच में अवेयरनेस लोग शादी में भी वो फेयर एंड लवली लगा के शादी कर लेते थे, बराबर, पॉन्ड्स की क्रीम, बोरोप्रस लगा के कर लेते, अभी कितना शादी में जितना खर्चा करते इतना खुद पे भी करते हैं, वो बॉडी शेपिंग है, हेयर ट्रांसप्लांट है, हेयर की ट्रीटमेंट, स्किन की ट्रीटमेंट, फेयरनेस के लिए बहुत सारे अलग अलग सब कुछ आ जाता है। तो कहने का मीनिंग ये, तो चैलेंजेस मेरा 3 मेन था कि मल्टी लोकेशन को कैसे रन करें, पेशेंट को सेम एक्सपीरियंस हम कैसे दे सके वो भी इम्पोर्टेंट था, और मानो कि कोई तीसरा कॉम्प्लिकेशन हो गया तो इसको कैसे हैंडल करें, मानो कि कोई वहाँ लेजर करके जल गया और मैं तो यहाँ बैठा हूँ, पेशेंट जयपुर में बैठे हैं, बराबर, तो वो कॉम्प्लिकेशन का एक SOP बन गया, अभी हमारा ऑलमोस्ट कॉम्प्लिकेशन फ्री है, हमने इतना ध्यान रखा, पूरे साल में हार्डली हम 1 लाख पेशेंट साल में देखते हैं,
तो हार्डली 2 से 3 का कॉम्प्लिकेशन है, तो 1 लाख में 2-3 का ना के बराबर है, बराबर तो yes. वो तक हम पहुंच गए yes. तो प्रॉब्लम भी था सॉल्यूशन मिला था और लोग आपका चेहरा जानते हैं, आपको पहचानते हैं, ठीक है। जैसे आपने बोला अलग अलग सिटी के अंदर आपका क्लिनिक है, तो लोग किस ट्रस्ट के ऊपर, मान के चलो जयपुर की बात करूँ, दिल्ली की बात करूँ, क्योंकि लोग आपका कंसल्टिंग आपकी बात आना चाहते हैं, तो ऐसा आपने क्या बिल किया, या तो ऐसा कौन सा ट्रस्ट है जिसके भरोसे पे कोई इंडिया का कोई भी पेशेंट है वो क्लिनिक के अंदर जाए? यस सर, सबसे पहले तो मैं अवेयरनेस लाया, यूट्यूब चैनल में मेरा काफ़ी वीडियो है, डिजीज के बारे में इंफॉर्मेशन दिया। एक एग्जांपल, उस आप जब फ्लाइट में बैठते हैं तो आप कभी पायलट देखते हो भाई कौन सा पायलट है, उसका कौन सा ट्रस्ट पे बैठ जाते हैं, वो पहुंचा देगा। अभी तो ड्राइवर लेस गाड़ी आ गई ना, हम गाड़ी अपने आप चलते, हम पीछे बैठते हैं, शुरू में तो डर लगता है, अभी रूटीन हो गया। तो ऐसा टेक्नोलॉजी जो अल्टीमेटली पेशेंट को चाहिए, रिजल्ट चाहिए, उसको क्या 3 चीज चाहिए, इसको रिजल्ट चाहिए, उसको इकोनॉमी चाहिए, स्केल ऑफ इकोनॉमी, इसको थोड़ा कम खर्च में चाहिए, रिजल्ट चाहिए, तीसरा कॉम्प्लिकेशन नहीं होना चाहिए, मुझे कोई हार्म नहीं होना चाहिए, मुझे कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर तीनों आप एड्रेस करो, क्योंकि हमने SOP बनाया, सॉफ्टवेयर बनाया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हेल्प लिया, तो इससे हमारा क्या प्रोटोकॉल बहुत अच्छा बना, SOP अच्छी बनी, तो पेशेंट को रिजल्ट मिलता है। और हर जगह पे मैं नहीं हूँ, अगर मैं हूँ तो मेरा चार्ज 2,000 है कंसल्ट, वहाँ डॉक्टर का चार्ज 400 रुपीज़ है, इकोनॉमी हुआ, पेशेंट को रिजल्ट अल्टीमेटली सेम मिलता है, नहीं मिलता है तो मेरे पास अल्टीमेटली हमारा सॉफ्टवेयर सिस्टम ऐसा है कि मेरे पास आ जाता है, सॉल्यूशन नहीं हुआ तो ये पेशेंट फॉलोअप में उसको सही नहीं हुआ है तो वो मेरे पास आ ही जाता है, तो अल्टीमेटली वो डॉक्टर को हम गाइड कर देते कि भाई इसको ये दिखा दो। वीक में 2 दिन में काम नहीं करता हूँ, पेशेंट नहीं दिखता हूँ, पर तब मैं डेटा देखता हूँ, आज रायपुर के पेशेंट डॉक्टर ने आज 10 पेशेंट आज के देखा है, तो 10 ही पेशेंट का मैं प्री पोस्ट पिक्चर देखता हूँ, पेशेंट का फीडबैक सुनता हूँ, क्योंकि इसमें हमारे में सॉफ्टवेयर में फीडबैक, पेशेंट क्या बात करते वो भी हम सुना देते कि भाई इसने क्या बात किया, तो हमारे पास आ जाता है कि खुश है तो पेशेंट खुशी बताएगा, दुख है तो दुख बताएगा, तो ये हमें, इससे हमें फ़ायदा हो गया। तो मेन जो होता है कि फीडबैक सिस्टम से हमें बहुत फ़ायदा होता है, और हर एक को, मैं तो बिजनेस में आप फीडबैक सिस्टम रखो, फीडबैक सिस्टम से बहुत फ़ायदा होता है। कोई अगर आपको नेगेटिव गूगल रिव्यू देखे तो उसको दुखी मत होना, इसे लेसन सीखो कि भाई इसने क्यों लिखा है। हाँ, कोई कोई कॉम्पिटिटर होता है ऐसे डाल देते हैं, परंतु हर एक वैसे नहीं होता है, जो भी हम नेगेटिव फीडबैक पे बहुत ध्यान रखते हैं, इससे क्या इम्प्रूवमेंट भी होता है। जो सुनो, जो नेगेटिव रिव्यू देने वाला, अगर उस आपने उसे पॉजिटिव व्यू में लिया ना, तो आपका जो क्लिनिक का, आपका बिजनेस का ग्रोथ बहुत फास्ट होता है, क्योंकि मीठी मीठी बात तो सब करते हैं, बराबर, एक्चुअल प्रॉब्लम बहुत कम बताते हैं, इवन हमारे फ्रेंड रिलेटिव कोई नहीं बताते कि आपकी क्लिनिक, पर वो जो पेशेंट बताए कि भाई आपकी यहाँ गलती है, पर अगर आपने इसमें नज़रअंदाज किया तो तुरंत फर्क नहीं पड़ेगा, पर धीरे 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 जो बिजनेस आता भी ऐसे जाता भी ऐसे, नज़र के सामने जा रहा था वो भी देखा, काफ़ी जगह पे ऐसा है कि एक जमाने में ये डॉक्टर के पास इतना पेशेंट है, अभी नहीं है, डॉक्टर तो वही था, नॉलेज भी वही था, परंतु ऐसा मैं सिर्फ डॉक्टर करे, हर एक बिजनेस में होता है, रिलेवेंट टू ऑल बिजनेस। और करंट समय के अंदर स्किन के रिलेटेड सबसे बड़ी प्रॉब्लम, समस्या अभी क्या है? समस्या स्किन में क्या है कि अगर टीनेज, जो इन्फेंटाइल, जो न्यू बॉर्न बच्चे होता है, इसकी प्रॉब्लम अलग होती है, घुमरियाँ निकलते हैं, काफ़ी एटोपिक बच्चे का एक्जिमा रहता है, बराबर, फिर टीनेजर का प्रॉब्लम अलग है कि हार्मोन, फीमेल जो लड़की होती है तो हार्मोन्स का इम्बेलेंस होता है, जो लड़का होता है उसका अलग होता है, फिर पिंपल्स से, पिगमेंटेशन से, ये एस्थेटिक मीन्स ब्यूटिफिकेशन, दिखने में ख़राब है। इसके अलावा जो मेन स्किन डिजीज जो बढ़ रहा है ना, एलर्जी ज़्यादा बढ़ रहा है, सोरायसिस बढ़ रहा है, व्हाइट स्पॉट, विटिलिगो जो कोट बोलते हैं वो ज़्यादा बढ़ रहा है, इसके साथ जो इतना केमिकल्स यूज होता है, तो कॉन्टेक्ट एलर्जिक डर्मेटाइटिस, फिर सिड़वा जो होता है, फिर इन्फेक्शन में बैक्टीरियल, फंगल्स जो वायरस होता है उसका प्रमाण बढ़ रहा है, बरो, और माइग्रेशन जो होता है एक सिटी से दूसरा सिटी से, तो पानी चेंज होता है, एनवायरनमेंट चेंज होता है, तो हेयर फॉल का प्रॉब्लम बहुत रहता बहुत सारा होता है, नाइट ड्यूटी लोग करते हैं, रात को देर तक जागते हैं, अलग अलग प्रॉब्लम होता है, तो हेयर का, नेल का, स्किन का प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ रहा है।
ड्रग अभी ज्यादा दवाई भी आ गई, लोग दवाई भी बहुत खाते, तो ड्रग रिएक्शन भी बहुत बढ़ गया क्योंकि चमड़ी होता है सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन होता है, तो जो भी तकलीफ होती है सिर्फ स्किन में आती है, तो स्किन में ज्यादा बढ़ रहा है। इसके अलावा टेम्परेचर बढ़ रहा है तो ह्यूमिडिटी थोड़ी बढ़ रही है, तो सीजनल बीमारी भी बहुत है। विंटर में होता है तो एक्जिमा होता है, समर में तो फंगल इन्फेक्शन बार बार होता है, ग्रोइन में फंगल इन्फेक्शन होता है, स्केबीज खस बनता है, तो बहुत बीमारी का अगर लिस्ट बनाओ तो ब्लिस्टरिंग डिसऑर्डर में पेम्फिगस होता है, ये हमारे में मोर्टालिटी बहुत ज़्यादा है। तीन ही हमारे स्किन डिजीज में पेशेंट एक्सपायर होता है, एक होता है पेम्फिगस, एक होता है ड्रग रिएक्शन, इसमें बोलते हैं टॉक्सिक एपिडर्मलाइसिस नेक्रोसिस और एसजे सिंड्रोम होता है, और एक एसएलई करके डिजीज है, सिस्टेमिक लुपस एरिथमेटस। तो वो जमाना गया कि चमड़ी के दर्दी मिटते भी नहीं है और मरते भी नहीं है, अब दोनों होता है। अगर बायोलॉजिकल स्टेम सेल वो सब दवाई से और लेज़र से टेक्नोलॉजी काफ़ी बीमारी हमारी ठीक भी होती है और हमारे डर्मेट में पेशेंट एक्सपायर भी होते हैं, पहले हमारे में एक्सपायर नहीं होते थे, अब तो ये बीमारी बढ़ रही है ना। ड्रग रिएक्शन बहुत हेवी आता है, टाइम ही नहीं मिलता है पेशेंट को, दो तीन दिन में पेशेंट कोलेप्स हो जाता है, पता है 100% बर्न्स कैसे होता है, ऐसी पूरी स्किन निकल जाती है तो ऐसा होता है। तो स्किन बीमारी डे बाई डे बढ़ रही है क्योंकि ओजोन ऊपर जो यूवी रेस जो हमारे अर्थ के ऊपर एक ओजन लेयर होता है, ओजन लेयर का काम है हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेस को धरती पे आने नहीं देते। अभी ओजन वीक हो गया तो यूवी रेस बहुत हो गया। ऑस्ट्रेलिया में आज से 50 साल पहले स्किन कैंसर का मरने से जो रेटिंग था 20 का रेटिंग था, 20 का 20th रीजन है स्किन कैंसर से पेशेंट मरता है। अभी वो थर्ड पे आ गया और तीसरे में आ गया। सबसे पहले जो आता है कि भाई वो हार्ट से होता है, दूसरा कैंसर से होगा, इन जनरल स्किन कैंसर भाई, और तीसरा स्किन कैंसर। और बोलता है कि 2030 में स्किन कैंसर सबसे पहले आ जाएगा, मेलेनोमा। बरो तो वो गोरे लोगों को क्या, हमारे जितना डार्क स्किन नहीं हो, हमें डार्क स्किन का फायदा भी है कि यूवी रेज अंदर बहुत नहीं जाता, हमें सिर्फ काला कर देता है, ब्लैक होता है, वैसे उसकी प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म के भाई काला कर दिया तो यूवी रेस और अंदर नहीं जाएगा। और हम क्या करते हैं, व्हाइटनिंग ट्रीटमेंट लेते हैं फिर धूप में घूमते हैं, तो और नुकसान होगा ना, क्योंकि आपने कवर खोल दिया और यूवी रेस तो सीधा अंदर गया। आपने तो व्हाइटनिंग ट्रीटमेंट किया और सनस्क्रीन नहीं लगाया तो फिर नुकसान होगा। बरोबर, तो ये गोरे लोगों को स्किन कैंसर से सबसे ज्यादा, तो यूवी रेस जो होता है इससे। फिर खान पान जो हम सांस लेते वो जहरीली रहे, आप देखो इंडेक्स जो भी दिल्ली में देखो तो बहुत ज्यादा पोल्यूशन तो जाएगा फेफड़े में, अल्टीमेटली ब्लड से फिर स्किन में आता है। हमारा डायरेक्ट कांटेक्ट अभी इंडस्ट्रियल बेल्ट इतना बढ़ गया तो एनवायरनमेंट, तो डायरेक्ट स्किन के कांटेक्ट में भी कांटेक्ट एलर्जिक डर्मेटाइटिस वो बढ़ गया। फिर सांस में कांटेक्ट में और खाने में भी फार्मर जो अगर फर्टिलाइजर डालेगा नहीं, अगर पेस्टिसाइड डालेगा नहीं तो कुछ आएगा नहीं। और पेस्टिसाइड अभी इतना डालना पड़ता है क्योंकि वो जंतु भी रेजिस्टेंट हो गया, तो उसका मात्रा जो होता है सेफ्टी नॉर्म से और भी बढ़। तो हम तीनों चीज हम खाते हैं, हम सांस लेते हैं और हमारा कांटेक्ट में आता है, तो इसे स्किन में सबसे ज़्यादा गड़बड़ी, तो स्किन डिजीज बढ़ता जा रहा है। चाहे अभी सूरत में जब मैं था तब 20 डर्मेट था, अभी 125 डर्मेटोलॉजी पर कोई फ्री नहीं है, इतने सारे पेशेंट अभी बढ़ रहे हैं। अवेयरनेस भी बढ़ रहे हैं, लोग पहले तो क्या बहुत ज़्यादा आती है तब स्किन स्पेशलिस्ट के पास, अभी थोड़ा होता है तो भी स्किन स्पेशलिस्ट के पास आते हैं। ओके, और आजकल बहुत सारे लोगों को डार्क सर्कल देखने को मिलते हैं, तो क्या सच में वो रिमूव हो सकता है? डार्क सर्कल भी तीन चीज़ से मेन कॉमन, एक जीनेटिक होता है, जीनेटिक जो होता है तो वो आप इम्प्रूव कर सकते हैं, निकाल नहीं सकते जो है इसमें आप इम्प्रूवमेंट मीन्स 50-60% कम। दूसरा जो होता है टिश्यूलस होता है, किसी को क्या आंख में खड्डे होते हैं इसके लिए डार्क दिखते हैं। टिश्यूलस चमड़ी के नीचे फैट लेयर ही नहीं होता, सीधा बोन पे चमड़ी रहता है, तो वो होलोनेस की वजह से डार्क सर्कल ज़्यादा दिखता है, तो वो तो इसमें फिलर आता है, फैट डाल सकते हो कुछ भी नीचे डालने से ऊपर आपका होलोनेस कम हो जाता है। तीसरा जो होता है ड्राइनेस की वजह से डार्क सर्कल ज़्यादा दिखता है, इसके अलावा एजिंग के लिए लूज स्किन होती है तो भी डार्क ज़्यादा दिखता है, तो इसके लिए लेज़र है, पील्स है, अभी तो प्लाज्मा PRP थेरापी आ गई है, PDNR जो बोलते हैं एक्सोसोम आ गया, तो इतना सारा ऑप्शन है, माइक्रो नीडलिंग आ गया, क्यू स्विच इंडिया लेज़र आ गया, पिको लेज़र आ गया,
तो ये सब लेजर की वजह से आप 60-70% डार्क सेल कम कर सकते हो, चाहे कितना भी जेनेटिक कॉज हो। हाँ, जिसको जेनेटिक उसको मेंटेन करना जरूरी है, उसको इसकी डे क्रीम नाइट क्रीम लगानी चाहिए, साथ में लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन भी चाहिए, बैलेंस फूड चाहिए। मेन तो विटामिन की डेफिशिएंसी होती है तो सबसे पहले आँख में दिखती है। आपका हीमोग्लोबिन कम है तो तुरंत, आपको डायरिया हो गया तो सबसे मुंह से पता चल जाएगा कि भाई आप फ्रेश नहीं है, आप थके लगते हैं, स्ट्रेसफुल लगता है, आपको मुंह से पता चल जाए, मुंह में आँख के आसपास में तुरंत वो दिख जाता है, मतलब क्या है। तो आप कभी कभी लोगों सब सुबह जो उठते हैं तो पफिनेस ज़्यादा दिखती है क्योंकि सर्कुलेशन कम रहता है, जैसे जैसे डे एक्टिविटी होती है सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है, कम हो जाता है। तो दिन और रात में भी वेरिएशन आता है, परंतु ये आधुनिक टेक्नोलॉजी से और सब मशीन से थेरापी से, अभी एक्सोसोम होता है वन टाइप ऑफ स्टेम सेल जो होता है कि एक्सोसोम से आप नया सेल बना सकते हो। तो जो स्किन जो डेड सेल बन गया, जो स्किन मानो कि 50-60 के बाद एकदम स्किन क्या बोलते हैं श्रिंक हो जाती है, yes. तो वापस उसको नवजीवन दे सकते हैं। तो डेफिनेटली रूट कोस आइडेंटिफाई करने के बाद डर्मेटोलॉजिस्ट प्रॉपर ट्रीटमेंट अगर चूज करे, अगर पेशेंट ने इसको ठीक से फॉलोअप किया तो डेफिनेटली फायदा मिलता है। ओके, और आजकल की मैं बात करूँ, बहुत सारे जनरल डॉक्टर्स भी स्किन केयर की प्रैक्टिस करते हैं, उसके बारे में आपको क्या कहना है? वैसे तो गलत है, परंतु अभी गुजरात में क्लिनिकल एस्टैब्लिश एक आ गया, क्योंकि जिसको पहले तो क्या डर्मेटोलॉजिस्ट कम थे, इसीलिए फिर दूसरे जो जनरल प्रैक्टिसर, क्योंकि पेशेंट बहुत थे, डॉक्टर कम थे, तो नेचुरली भाई किसी को तो दवाई किसी से तो लेनी पड़ेगी। तो आज से पहले कैसे कंपाउंडर था, बराबर, कि भाई डॉक्टर कम थे, मानो कि एक गांव में आता है डॉक्टर हफ्ते में एक बार आता है तो 6 दिन कंपाउंडर ट्रीटमेंट करता, तब क्या बोलते ऑप्शन नहीं था ना, इतना डॉक्टर था ही नहीं। अभी प्रॉपर डर्मेटोलॉजी आ गया सूरत में 125 डर्मेटोलॉजी से, तो गांव में अगर है तो सही है कि भाई वो छोटे गाँव में मानो कि 2000 की पॉपुलेशन है, वहाँ कोई डर्मेट नहीं है, वहाँ अभी इतना क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजी है, तो फिर आइडियली क्लिनिकल एस्टैब्लिश एक आ गया, इसमें आपको कंपलसरी आपने जो पथी से पास किया वही पथी से ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी। यस, मानो कि होम्योपैथी से किया तो होम्योपैथी से, आयुर्वेदिक किया तो आयुर्वेदिक से किया तो ऐसा। अभी ये ब्रिज कोर्स आ गया, तो वो कोर्स में से सर्टेन बीमारी जो होती है कॉमन जो बीमारी इसमें अलाउ किया, पर स्किन डिजीज में आपको इतना स्पेशलिस्ट है, और डर्मेटोलॉजी होता है हमें 10 साल लगता है, पहले MBBS 5.5 साल, फिर 1 साल इंटर्नशिप, फिर 3 साल MD करने के बाद हम पेशेंट देखते हैं। और जो दूसरी पथी में के 4.5 साल करने के बाद स्किन का कोई नॉलेज नहीं है, पर कोई डॉक्टर के वहाँ असिस्टेंट आपने काम किया, फिर आपने खुद क्लिनिक खोल दिया, ऐसा होता है, पर तो वो इसे रिस्क रहता है। रूटीन डिसीज में कोई प्रॉब्लम नहीं आता, जब कॉम्प्लिकेशन होता है तो फिर वो हैंडल नहीं कर पाता है, तब ये तकलीफ रहती है। तो अगर आप सिटी में हो और प्रॉपर डर्मेटोलॉजिस्ट आपको मिल रहा है तो आपको डर्मेटोलॉजिस्ट MD डर्मेटोलॉजिस्ट के पास ही ट्रीटमेंट लेना चाहिए, जहाँ ऑप्शन नहीं है, कोई जगह पे है ही नहीं, छोटा सिटी है वहाँ पे, वहाँ अगर आप ले तो चलेगा, पर कोई टेक्नोलॉजी कोई मशीन से अगर ट्रीटमेंट लो तो आपको ये देखना ज़रूरी है, क्योंकि स्किल एक्सपर्टाइज नॉलेज तीनों जरूरी है, तथा क्वालिफिकेशन, यस, ये चार की जरूरत है। क्वालिफिकेशन भी होनी चाहिए, स्किल भी होना चाहिए, नॉलेज भी होना चाहिए सब्जेक्ट का, अगर भी होना चाहिए। अगर आपने वो जो डर्मेट नहीं है, अगर वो प्रैक्टिस कर, आप दो क्वेश्चन पूछो उसको जवाब नहीं आएगा, उसको ऐसे पूछ के लेजर जाके क्या काम करेगा, वैसे ही बोल देगा कि भाई ये जाके नीचे हेयर को जला देगा, जला देगा। तो वो इसके पास आंसर नहीं कि सिर्फ हेयर को क्यों जला रहा है, नीचे तो सब कुछ है, बहुत सारी चीजें होती है, है वेसल्स है, कह रहे कोलेजन फाइबर है, इलास्टिक फाइबर है, तो वो क्यों जलाते हैं, वो नहीं आंसर। और जब स्किन जल जाती है तो उससे पास वो कैसे उसको ठीक करे वो नॉलेज नहीं रहता, क्योंकि अलग अलग चीज होता है। तो जहाँ आपको ऑप्शन मिलता है कि भाई सिटी में है डर्मेटोलॉजी है, 125 डर्मेटोलॉजी है, तो आपको उसको दिखाना चाहिए, नहीं है तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ओके, और छोटे छोटे बच्चों का भी वाइट हेयर हो जाता है, उसका क्या रीजन होता है? यस, ये मतलब कि ये जो प्री मेच्योर ग्रेइंग बोलते हैं इसको, ग्रेइंग हेयर, इसमें मेन जो होता है कि जेनेटिक फैक्टर तो है ही, क्योंकि पेरेंट्स को अगर अर्ली एज में होगा तो बच्चों को होने का चांस ज़्यादा रहता है। यस, दूसरा सबसे कॉमनेस होता है कि डेंड्रफ, ज़्यादा डेंड्रफ लंबे समय रहने से प्री मेच्योर ग्रेइंग ज़्यादा बनता है, क्योंकि डेंड्रफ से 3 नुकसान होता है। एक तो डेंड्रफ की वजह से स्काल्प में इन्फ्लामेशन सूजन रहता है, खुजली आती है,
तो इन्फ्लामेशन की वजह से भी पिगमेंट जो होता है वो थोड़ा एम्पर हो जाता है। दूसरा कि ये डैंड्रफ की वजह से जो बाल को जो पोषण मिलना चाहिए, जो नरिशमेंट मिलना चाहिए, नहीं मिलता, क्योंकि इन्फ्लामेशन वजह से एम्पर करता है। तीसरा जो होता है, ये डैंड्रफ बाल को कवर कर देता है, साथ में जैसे ऑयल कैसे वो लेयर बना देता है ऐसे बाल में। yes. तो बाल जो होता है एकदम ड्राई लस्टरलेस जो बनता है। yes. तो फॉलिंग भी बढ़ता है, वाइट भी जल्दी होता है, और बाल का जो क्वालिटी होता है वो कॉम्प्रोमाइज होता है। तो सेकंड होता है ये। तीसरा होता है डेफिशिएंसी। बच्चा जो अभी जंक फूड ज़्यादा लेता है तो प्रोटीन कैलरी जो प्रोटीन की जो डेफिशिएंट होती है सबसे पहले बाल में इफेक्ट आती है। और चौथी जो बीमारी, बार बार बच्चा जो बीमारी जो आती है इससे थोड़ी डाउन रहती है और इसे ये प्रीमेच्योर ग्रोइंग फास्ट होता है। ये मल्टीफैक्टोरियल, कोई एक चीज से नहीं होता है, पर छोटा छोटा मिला के बना देता है। तो डर्मेटोलॉजिस्ट से जाने से आपका रूट कॉज आइडेंटिफाई होगा, प्रिवेंटिव मेजर भी सिखा देते हैं कि भाई ये करने से आपका फिर, क्योंकि आपने डॉक्टर को दिखाया डर्मेटोलॉजी, आपने दवाई दिया, वो स्टेज में रुक गया, पर अभी जिसकी वजह से हुआ वो तो चालू रहता है, तो yes. साल के बाद वापस चालू हो जाएगा। yes. तो प्रिवेंटिव मेजर भी इतनी जरूरी, ऐसा नहीं कि आपको हर महीने डॉक्टर के पास जाना ही जाना, जो सिखा दे वो अपने हिसाब से करते रहना, कंटिन्यू रखना चाहिए। उसके अलावा सर, आपने आपके बिना भी जो सखिया स्किन क्लिनिक है वो चलता रहे, उसके लिए आपने ऐसा कुछ किया है? जब मैंने स्टार्ट किया तो ऐसा कुछ सोचा नहीं था, मतलब अभी 31 क्लिनिक हो गई और हम इंडिया में 100 स्मार्ट सिटी में खोलने जा रहे हैं, 20,000 दूसरी छोटे सिटी के लिए भी हम क्लिनिक बनाने जा रहे हैं। तो एक तो सोचना ज़रूरी पड़ेगा, क्योंकि जब मैं हूँ तो चल रहा है, मैं नहीं हूँ तो अगर yes. मैंने मानो कि भाई ये तो क्या अनप्रिडिक्टेबल है, बीमारी yes. आ सकता है, अननेचुरल कुछ भी हो सकता है। yes. तो तीन चीज़ मैंने डेवलप किया। एक तो मेरा लड़का भी MD के फर्स्ट ईयर में yes. स्किन में, तो yes. दो साल के बाद वो आ जाएगा। दूसरा लड़का है सेकंड MBBS में, तो 5 साल के बाद वो भी आ जाएगा। एक yes. दोनों की बहू भी आ सकती है। yes. डर्मेटोलॉजी फैमिली इन्वॉल्व हो सकता है, मेरी मिसेज भी है तो वो एडमिनिस्ट्रेशन करती है। तो एक तो ये फैमिली। yes. दूसरा सबसे पहले ये तो फैमिली सही है, टेक्नोलॉजी है ना, टेक्नोलॉजी जो नई नई चीज जो भी अभी हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में स्किन मॉडल बना रहे, आपका फोटो अंदर डाला तो तुरंत आपका डायग्नोसिस आ गया, इसका प्रोबेबल ट्रीटमेंट का ऑप्शन आ जाता है, बराबर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आ जाता है, ऑटोमेटिक आपको वीडियो भेज देते हैं कि भाई आपको ये डू एंड डोंट्स करना है। तो टेक्नोलॉजी हमने सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखा है, इससे हम क्या स्केलिंग कर सके। यस। फिर जो इसके ऊपर जो होता है टीम बिल्डिंग, हमने टीम ऐसी आती है, अभी हमारे पास 400 लोगों की टीम है। yes. और टीम इतनी डेडिकेटेड है, एवेंजर टीम हम उसको बोलते हैं। yes. एवेंजर आपको पता है कहीं भी दिन yes. रात का कोई नहीं होता नहीं है। तो ये हमारी जो बैक ऑफिस की 40 की जो एवेंजर टीम है वही मल्टीप्लिकेशन करते हैं। मैं चाहे US महीना भी रुक के आया तो यहाँ क्लिनिक में कोई चेंज नहीं आता, क्योंकि टेक्नोलॉजी मदद से मैं कहीं भी बैठ के पेशेंट का डायग्नोसिस में हेल्प करता हूँ, पेशेंट में कोई कॉम्प्लिकेशन होता है उसको मैं करेक्शन। तो भाई इतना SOP बन गया है, हर एक छोटी छोटी चीज का वीडियो है। yes. मानो कि पेशेंट को तकलीफ, ये वीडियो देख ले तुरंत उसको समझ में आ जाता है। so, इवन फ्रेशर डॉक्टर है उसको भी बहुत सीखने मिलता है। yes. हमारे यहाँ ट्रेनिंग बहुत आता है, डर्मेटोलॉजी डिजीज का तो ट्रेनिंग देते हैं, इसके साथ डर्मेटो सर्जरी का, लेजर का, एस्थेटिक में मिस बोटॉक्स, फिलर, थ्रेड, वो सब सिखाते हैं। yes. जो हैंडसॉन खुद हाथ में हम हैंडसॉन ट्रेनिंग देते हैं। yes. तो ट्रेनिंग मॉड्यूल हमारा इतना पावरफुल है कि ट्रेनिंग पे अगर जो जिसने ट्रेनिंग नहीं लिया उसको हम क्लिनिक नहीं देते, मतलब पहले ट्रेनिंग आपको कंपलसरी चाहिए। yes. एक कॉमन एक पॉपुलर कहानी देते हैं, CFO और CEO, पता है आपको? yes. तो CEO ने बोला CFO ने कि भाई आप इतना ट्रेनिंग में खर्च करते हैं और आपका एम्प्लॉय चला गया तो yes. CEO ने ऐसा बताएगा, अगर मैंने ट्रेनिंग नहीं दिया और वो टिक गया तो सही बात है, वो डिटेल में आपने बोला है। तो ये ट्रेनिंग बहुत इम्पोर्टेंट, तो ट्रेनिंग का मॉड्यूल हमारा बहुत पावरफुल है, टेक्नोलॉजी है और मैं खुद इन्वॉल्व हूँ। बाकी चैन ऑफ क्लिनिक में ऐसा होता है कि ओनर डॉक्टर नहीं होता है, आप काया देखो, VLCC देखो, जो जो बड़ी में कोई इसका मालिक जो होता है नॉन डॉक्टर होता है। यस। ये तो मैं खुद मालिक भी हूँ और मैं खुद पेशेंट देखता हूँ, इसीलिए पेशेंट का पेन फैक्टर मुझे पता है पेशेंट को क्या तकलीफ है, नया ड्रग क्या आना चाहिए, मेडिकेशन में क्या क्या चेंज करना है। वहाँ ऐसा नहीं होता है, वहाँ
कॉर्पोरेट सेट प्रोटोकॉल होता है, पेशेंट का चाहे कुछ भी हो जाए परंतु वो प्रोटोकॉल चेंज नहीं होते हैं, क्या फ्लेक्सिबल रहते हैं, क्योंकि मेरे पास आ जाए तुरंत बोल देता हूँ, वहाँ ओनर है तो वहाँ से डायरेक्ट फीडबैक नहीं मिलता। तो हमने ऐसा स्ट्रक्चर ऐसा बनाया कि अप टू 20,000 भी क्लिनिक बने ने तो 1% पे डिपेंडेंट नहीं है, इस सिस्टम डिपेंडेंट। यस, और आपने 3,00,000 से भी ज़्यादा लेसर हेयर रिमूवल प्रोसीजर कंप्लीट किया है, तो क्या एक्चुअल में इतनी ज़्यादा पॉपुलर है? यस यस, सबसे पहले तो हम थैंक यू वेरी मच सलमान खान के, इसने सबसे पहले 20 साल पहले फुल बॉडी हेयर रिमूवल किया था, तब उसने 16,00,000 दिया था, तो ये बाद में तो काफ़ी सेलिब्रिटी ने हेयर रिमूवल किया, पर सलमान का हमारा आइडियल है, इससे हमें बहुत फायदा हुआ क्योंकि डर फैक्टर चला गया कि भाई सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट हुआ कि भाई इसने हेयर रिमूवल किया तो मीन सेफ होगा, तभी करा था। फिर मैंने खुद ने किया, मैंने मेरी बीएड भी निकाल दिया कि रोज की झंझट चली जाए, तो फिर मैंने खुद पे किया, मेरा अलग हेयरलेस बॉडी हो गया, तो वो इसे खुद पे किया, सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट, डॉक्टर खुद करे, इसमें समझो कि सेफ है। तो ये हेयर रिमूवल दो पर्पज से करा, एक कॉस्मेटिक पर्पज है और एक बीमारी के लिए पे हेयर रिमूवल, मानो कि किसी को भखंदर जो होता है बार बार होता है तो वहाँ पहले सर्जन बार बार सर्जरी कर देते हैं, पर बखंदर होता है वो बाल की वजह से होता है, अगर आपने हेयर रिमूवल किया तो फिर रिकरेंस बंद हो जाता है, नहीं किया तो बार बार आता रहता, किसी को अंडरआर्म में बामलाई, परस्पायरेशन, फंगल इन्फेक्शन बार बार, अगर आपने हेयर निकाल दिया तो फंगस कभी ऐसी सॉफ्ट स्किन में नहीं होता है, उसको हेयरी स्किन फोल्ड चाहिए और पसीना चाहिए, तो ये हेयर रिमूवल से उसका बार बार फंगल इन्फेक्शन रुक जाता है, बामलाई जो बनते हैं अंडरआर्म में होता है, ऐसा किसी को बार बार क्या फोलिकुलाइटिस, मानो कि कोई एक बार शेविंग करे तो बम्प्स बन जाता है, रेजर बम्प, तो ये कॉस्मेटिक के अलावा डिजीज, स्किन डिजीज में भी काम लगता है, और अनवांटेड हेयर में क्या है कि खास तो जब बाल बड़े होते हैं तो बाल वाइट हो जाता है, तो फिर वो लेजर से नहीं निकलते, फिर जो एजिड पॉपुलेशन को फिर प्राइवेट पार्ट में हेयर खुद निकालने में, किसी को पार्किंसन हो तो कट लग जाता है, बार बार इंजरी होती है, तो पहले से हेयर रिमूवल किया तो उसको फ्यूचर में प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि फिर प्राइवेट पार्ट में अगर बाल नहीं निकाले तो भी प्रॉब्लम, और खुद निकालना चाहे तो भी प्रॉब्लम है, और ऐसी चीज़ बार बार सलून में भी जा नहीं सकते और खुद नहीं कर सकते, फिर स्किन बीमारी बढ़ती है, तो ये नेसेसिटी भी है, फुल बॉडी जो होता है किसी को क्या है कि परस्पिरेशन इतना बढ़ता है कि भाई कपड़ा पिया वो ज़्यादा बाल की वजह से वो खराब हो जाता है, ऐसे किसी को अभी हमारे पास मेल हेयर रिमूवल इतना ही आता, सेम पहले फीमेल 90% 10% मेल आता है, मेल मेजिकली जो आता है बियर्ड सेपिंग के लिए, दो आईब्रो के बीच में, ईयर के बाल में हो जाता है, ज़्यादा नीचे बाल आ जाता है, अभी अंडर आर्म प्राइवेट पार्ट में तो मेजोरिटी, इवन डॉक्टर भी हमारे पास इतना डॉक्टर है कि वो भी प्राइवेट पार्ट, क्योंकि परमानेंट सोल्यूशन है, आज नहीं तो कल एक बार व्हाइट हो गए फिर इसका कोई सोल्यूशन नहीं, तो व्हाइट होने से पहले अगर आपने हेयर निकाला तो आपका परमानेंट सोल्यूशन के भी बड़ी उम्र में भी आपको ये प्रॉब्लम नहीं आया। तो हेयर रिमूवल 3,00,000 तो मुझे लगे कम है, 30,00,000 से वही 3,00,000 भी अगर होगा फ्यूचर में, क्योंकि ये आप देखो हमारा जो लड़कियां जो ईयर जो पियर्सिंग करती है नोज पियर्स 5,000 साल से ये ट्रेडिशन है, आज भी वो करना पड़ता है, कोई बच्ची अपना पियर्सिंग वाली तो आती नहीं है, तो ऐसा भी नहीं कि आज आपने हेयर रिमूवल किया तो आपके बच्चे को हेयर नहीं है, ऐसा नहीं, उसको भी आएगा, तो ये क्या कि नेवर एंडिंग प्रोसीजर है, और इसमें अभी टेक्नोलॉजी थर्ड जनरेशन फोर्थ जनरेशन टेक्नोलॉजी आ गई, तो लेजर हेयर रिमूवल सेफ भी है, इफेक्टिव भी है, और पहले के समय के सामने बहुत इकोनॉमिकल भी है। ओके, और जैसे आपने लेजर हेयर रिमूवल की बात की तो मैं बात करूँ अदर मेथड्स की कंपेयर में, जो लेजर हेयर रिमूवल जो प्रोसीजर है वो उसका बेनिफिट क्या है? इसके अलावा चार टेक्निक है जो हेयर रिमूवल में, एक तो रेजर से करते हैं, इसमें वैक्सिंग आता है, वैक्सिंग से होता है पेनफुल होता pain, है yes. फिर ब्लीच में आते हैं, ब्लीच से वो हेयर ब्लीच होता है, इससे वो गिरता नहीं है, और चौथा इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस में एक एक हेयर निकालना पड़ता है तो लेजर जो होता है आपको फुल बॉडी है 3-4 घंटे में हो जाता है, और अभी टेक्नोलॉजी ऐसी होती है अगर आपकी स्किन फेयर है, आपका हेयर डार्क है, तो आपको 4 to 6 सेशन में आपका बाल निकल जाता है। अगर आपकी हार्मोनल कोई प्रॉब्लम है, स्किन थोड़ी डार्क है, अगर पावर आप ज़्यादा सहन नहीं कर पाते, स्किन थोड़ी सेंसिटिव है, तो उसको 10-15 सेशन लगता है, डिपेंड होता है, परंतु जितनी फेयर स्किन जितना डार्क है फास्ट रिजल्ट, इसका उल्टा जितनी डार्क स्किन और पतला बाल तो कम सेशन कम रिजल्ट मिलता है और ज़्यादा सेशन लगता है, परंतु अभी जो मशीन इतना अभी हमने इनमोड मशीन जो टीटोन का लिया है वर्ल्ड का इसराइल का है, वो चाहे कैसा भी स्किन कलर है ये सब में काम लगता है,
तो ये अभी हमने हमारी भटार ब्रांच में हमने अवेलेबल करवाया। ये वर्ल्ड का लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होता है कि कम से कम टाइम में आपको 2 से 3 घंटे में फुल बॉडी हेयर रिमूवल हो जाती है। पहले हमारे पूरा दिन लगता था। अभी टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है, इतना हो गया। तो लेजर हेयर रिमूवल फ्यूचर है, चाहे कितना भी आप रिमूवल करो ये पेशेंट तो कभी कम नहीं होगा, क्योंकि ये पार्ट ऐसा होता है कि नई जनरेशन को आता है, कंटिन्यू आता ही रहता है। और लेजर रिमूवल के बारे में लोगों का कोई ऐसा कोई मिसकंसेप्शन है जिसको आप दूर करना चाहोगे? मिसकंसेप्शन जो व्हाइट हेयर नहीं जाता है, बहुत पतला भी बाल लेजर से नहीं जाता है, गोल्डन हेयर है, रुवाटी होता है, वो नहीं जाता। वो फिर छोटे बच्चे में भी लेजर हेयर रिमूवल नहीं कर सकते। हाँ, हमने अपर लिप जो 9-10 साल की लड़की का भी अपर लिप किया, किसी को बहुत ज़्यादा आता है। अभी यूपी में एक बोर्ड की टॉपर थी 18 साल की, तो ज़्यादा बाल हो इसकी वजह से भी इतनी बहुत ट्रोल हुई थी। पर अगर उसने निकाल दिया तो वो निकल सकता था। पर बेचारी इतनी ब्रिलियंट होने की, सिर्फ अपर लिप बाल होने से भी बेचारी ट्रोल हुई है। तो ये होना नहीं चाहिए। परंतु इसका सोल्यूशन है, अगर इसने किसी डरमेट को बताया तो इसके बेचारे का सोल्यूशन। तो हम मिथ ये है कि आपको हेयर रिमूवल से स्किन जल जाएगी, नुकसान होगा, कैंसर होगा, ऐसा कुछ नहीं है। डरमेट खुद करते हैं। आप वर्ल्ड की कोई भी सेलिब्रिटी होती, कोई भी बॉलीवुड का हीरो हीरोइन, किसी ने बोला कि मैं हेयर रिमूवल नहीं किया तो वो झूठ बोल रहे हैं। तो सब एंडोर्समेंट, और इतना 20 साल से इतना पॉपुलर है। पहले सिर्फ वेस्टर्न कंट्री में था, अभी हमारी इंडियन स्किन के मुताबिक भी मशीन बन गया। तो सेफ भी है, इफेक्टिव भी है, और अभी इतना वाइड जो होता है इकोनॉमिकल भी। आप देखो, मोबाइल जब शुरू में आया था 16 रुपये का कॉल, अभी फ्री में हो रहा है ना। सर, ये तो फ्री में नहीं हो रहा है, परंतु कम चार्ज में भी हो, क्योंकि फुल बॉडी पहले 15-16 लाख रुपये फुल बॉडी का था। दस सेशन का एक सेशन 1.5 लाख, अभी 1.5 लाख में 10 सेशन आ जाता है। समझ गए? तो ये ऐसा होता है टेक्नोलॉजी जो, परंतु लोग क्या कभी कभी सस्ते के चक्कर में अनक्वालिफाइड सैलून में हेयर रिमूवल करते हैं। हमने देखा पार्लर में भी करते हैं, नॉन डर्मेटोलॉजिस्ट के पास करते हैं काफी। आप देखो बहुत सारे, तो वो क्वालिफिकेशन आपको देखना चाहिए, क्योंकि आपकी गाड़ी में, आप देखो पेट्रोल की गाड़ी में पेट्रोल ही डालेंगे, डीजल नहीं डालेंगे। पता है ना कि गाड़ी बिगड़ जाएगी। तो ये आपकी खुद की स्किन है, तो इसमें नेवर कॉम्प्रोमाइज। थोड़ा खर्चा होगा प्रॉपर डर्मेटोलॉजिस्ट पास करने पर, आपको सेफ्टी गारंटेड रहेगी। अगर भी गड़बड़ रहती है तो डॉक्टर जो डर्मेटोलॉजी कॉम्पिटेंट है वो ठीक करने के लिए। तो आपको सेफ्टी एफिकेसी थोड़ा कॉस्ट ज्यादा लगता है, क्योंकि जो नॉन डर्मेटोलॉजिस्ट है वो कम खर्च में क्यों करते हैं? एक तो इसको पढ़ाई में खर्चा नहीं लगता, क्योंकि 4 साल में पढ़ाई करके आया। दूसरा, टेक्नोलॉजी ज़्यादा चाइनीस रहती है, कि हम जो मशीन मगा 30-40 लाख का है वो 2 लाख में कर दे, तो उसको स्केल जो होता है, हम 20 टाइम ज़्यादा पैसा नहीं लेते। बरो, तो उसको पढ़ने में खर्चा नहीं लगता है, मशीन एकदम चीप रहता है, और दूसरा कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो खर्चा जो लगता है उसको नहीं लगता, इसीलिए वो खर्च। परंतु पेशेंट को समझना चाहिए कि हमारा बॉडी का इम्पोर्टेंट पार्ट स्किन है, हम किसी को दे रहे हैं तो सोच समझ के देना है, कि भाई कोई स्किल, एक्सपर्टाइज, नॉलेज, क्वालिफिकेशन सब कुछ देख के आपकी एकदम कीमती स्किन को किसी को देना चाहिए। और अभी तक आपके पास बहुत सारे पेशेंट आए हैं, तो ऐसी कोई पेशेंट की कोई स्टोरी है जो आप शेयर करोगे? अरे ये तो क्योंकि ये हम तो मैंने खुद ने 4 लाख पेशेंट तो मैंने खुद ने देखा है, तो कितनी स्टोरी होती है। हम तो 3 दिन यहाँ बैठे तो भी कम पड़ेगा, अपन 2-3 चीज। एक तो मैंने बोला कि पेशेंट को एयर होस्टेस की जॉब, उसको बोला कि मुझे इसे रिजेक्ट किया है और मुझे 6 हफ्ते का टाइम दिया, अगर 6 हफ्ते में ठीक करे तो आपको हम ले लेंगे। तो मैंने 6 हफ्ते में उसको ठीक कर दिया, मैंने अल्टरनेट डे बुलाया, और वो जब वो पेशेंट आज भी मुझे याद करता है। पर इससे मेरी मतलब पूरा करियर का सवाल था, मैं इंटरनेशनल शिफ्ट हो गया, अगर जॉब नहीं मिली तो मैं अब्रॉड नहीं जा सकती, मुझे जो चाहिए वो पतिदेव नहीं मिलता, सब कुछ बहुत सारे। दूसरा जो एक है सफ़ेद डागे, लड़के और लड़की एक दूसरे को कोई प्रॉब्लम नहीं था, कि भाई डाग है तो कोई बात नहीं, लड़की को वाइट स्पॉट था, लड़के को कोई प्रॉब्लम, पर लड़के को फैमिली को प्रॉब्लम था, इसकी वजह से उसने फीमेल को रिजेक्ट कर दिया। तो फिर लड़के ने क्या बोलते हैं कि भाई टाइम मांगा, कि भाई ये डॉक्टर को दिखा कि आप थोड़ा टाइम दो, अगर ठीक हो गए तो हम करेंगे, और मैंने उसको ठीक कर दिया, उसको हमने सर्जरी कर दिया। पेशेंट अभी शादी करके दिल्ली में सेट हो गई है, 2 बच्चे, वो कितनी खुश है, क्योंकि इतना छोटा स्पॉट यहाँ परेड पे था,
हमने यहाँ से स्कीन लेके डाल दिया, उसका काम हो गया और परमानेंट सॉल्यूशन, तो आज भी पेशेंट खुश है। तो ये लाइफ चेंजिंग डिसीजन, ऐसी हजारों सर्जरी हमने किए, तो ये तो मुझे ये दो याद रहा। तीसरा पेम्फिगस करके पेशेंट 100% बंस जैसा, पूरे फैमिली इसको झोली में लेके आया था मेरे पास पेशेंट को, तो हमने एक रिटुक्सिमेब करके इंजेक्शन नया नया था पेशेंट को। फैमिली मेंबर तो ऐसे समझेगा भाई गया वाले लेडी थी 35 की थी कि अभी गई है, तो बाकी सबको इकट्ठा कर दिया कि सब आ जाओ अभी ये, तो वो जिंदा हो गई है। 15 साल हो गए आज, आज भी वो फार्म में काम करती है और हैप्पी लाइफ है, 2 बच्चे है, सब कुछ है। तो ये लाइफ चेंजिंग जो लाइफ सेविंग डिसीजन जो होता है, मैंने बोला कि भाई मेरे मुझे ट्रस्ट है कि ये लेडी ठीक हो जाएगी, पर फैमिली मेंबर को सबको ट्रस्ट नहीं था कि भाई इतनी कंडीशन में कैसे बाहर निकलेगी, तो हो गई। चौथा जो केस था कि पेशेंट को 60 ईयर का था, बाबू भाई करके हमारा, उसको लांछन था, इतना खून के मसे बोलते हैं ना, पूरा आँख खुल नहीं रहती, नाक में सांस नहीं ले सकते थे, मुंह में खाने में भी ऐसे खाना क्योंकि ऐसे बाहर आ गया था। तो उसने 50-60 डॉक्टर को देखा तो वो ठीक नहीं होता, तो मैं और एक प्लास्टिक सर्जन की हेल्प से हमने वो पूरा निकाल दिया। अभी इसकी आँख भी खुल गई है, नाक भी खुल गया, मुंह में खा सकते हैं, उसके ग्रांडसन इससे दूर भाग रहे थे डर की वजह से, इतना बड़ा लांछन है, तो अभी एकदम नॉर्मल गया, तो वो इसका आशीर्वाद अच्छा मिलता है। और फिफ्थ जो होता है, एक पेशेंट प्रॉब्लम कुछ नहीं था, इसको हेयर फॉल था, वो मेरे पास चिट्ठी लिख के गया, अगर मेरा हेयर फॉल हेयर वापस नहीं तो मैं सुसाइड कर दूंगा, ऐसा चिट्ठी लिख के गया था। अरे फिर मैंने तो उसको तुरंत वापस बुलाया, मेरे को तेरी ट्रीटमेंट जब तक तेरा बाल लिया तब तक फ्री ऑफ चार्ज, बराबर, भाई सुसाइड बाल की वजह से तो कौन करेगा, बराबर, वो तो फॉर्म था, अगर मेरा बाल लिया तो मेरे के पूरा क्या बोलते हैं सुसाइडल टेंडेंसी बन गई। तो उसको पूरा ठीक किया, उसका हेयर ट्रांसप्लांट कर दिया सब, तो पेशेंट आज भी खुश है। तो ऐसा तो हजारों फंक्शन है, पर इससे क्या होगा, जब पेशेंट खुश तो हम खुश, बराबर, अल्टीमेटली तो ये क्या है, चाहे कितना भी एडवर्टाइजमेंट करे, कितना भी होर्डिंग लगाए, जब एक पेशेंट जो ठीक हुआ वो दूसरे पेशेंट को जब नहीं बताया तब पेशेंट आता नहीं है, नहीं आता है तो ट्रीटमेंट नहीं लेता है, बराबर। तो हमने ये 27 साल की जर्नी में हमने पेशेंट से ट्रस्ट जीता है, पेशेंट का कॉन्फिडेंस देता है, इसकी वजह से पेशेंट हमारे पास आता रहता है। ऐसे बहुत सारे पेशेंट को आपने बोला, इसी क्रिटिकल सिचुएशन में से आपने बाहर निकाला, तो ऐसा ठीक करके आपको कैसा फील होता है? अरे बहुत अच्छा है, हमारे तो क्या यही है, तो सेटिस्फेक्शन होता है ना। सेटिस्फेक्शन होता है जब पेशेंट, जब कोई एक्सपायर होता है पेशेंट ठीक, तो दूसरे पेशेंट को ऐसा लगता है कि फिर हमें अंदर से दुख महसूस होता है कि भाई हमसे नहीं हो सका, नहीं हो सके भाई, पेशेंट से कॉस्ट कोई कॉस्टली मेडिसिन पेशेंट ले नहीं सकता, अदरवाइज है कि भाई एक्सेसिबल नहीं होता है, दवाई भी नहीं मिलती है, ऐसा तो काफ़ी चीज़ में होता है, तो डॉक्टर भी इतने दुखी रहता है। बराबर, तो ऐसा कोई पेशेंट दुखी है और हम खुश है, ऐसा कभी नहीं हो सकता है, इसीलिए वो एक पेशेंट खुश तो हम खुश है। एक आखिरी सवाल कि अगले 5-10 सालों के अंदर सखिया स्किन क्लिनिक का विजन क्या है? अरे बहुत बड़ा विजन है। एक तो हम वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्किन सेंटर खोलने वाले हैं, ये यहाँ लाडवी के पास, 4 लाख स्क्वायर फीट का, वर्ल्ड का लार्जेस्ट 4 लाख स्क्वायर फीट का हम खोलने वाले हैं, 1-2 साल में काम चालू हो जाएगा, इतना पूरे वर्ल्ड में, यूएस में भी नहीं है इतना पूरा बड़ा। दूसरा, हम 20,000 क्लिनिक छोटी छोटी जस्ट स्किन क्लिनिक के नाम में, वो 10,000 से 50,000 के पॉपुलेशन के वाले सिटी में, कि जहाँ डॉक्टर नहीं है वहाँ खोलेंगे, जहाँ डर्मेट है तो वहाँ यूजुअली हम अवॉइड करेंगे, क्योंकि वहाँ है ऑलरेडी, तो जहाँ फैसिलिटी नहीं है का डर्मेट है पर इसके पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं होती, तो फिर हम खोलेंगे वहाँ, ताकि वो 10,000 to 50,000 लोगों को भी ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की ट्रीटमेंट मिल सके। तो ऐसी इंडिया में हमने 20,000 लोकेशन किया। तीसरा जो होता है टेलीडर्मेटोलॉजी, हम बनाने जा रहे हैं कि 30,000 स्क्वायर फीट का पूरा टेलीडर्मेटोलॉजी सेंटर है, कि इसमें वर्ल्ड वाइड आप कोई भी पेशेंट, मानो केन्या से बोले कि मैंने स्किन प्रॉब्लम है, तो हम यहाँ से डायग्नोसिस करके उसको भेज सकते हैं। और चौथा, डायग्नोसिस से ठीक नहीं होता ना, दवाई भी चाहिए, तो चौथा हमारा सखिया एडवांस साइंस करके, इसमें हम सब मेडिसिन बना रहे हैं, अभी हम सिर्फ कॉस्मेटिक वाली ट्रीटमेंट वाली बना रहे हैं, कि भाई फेस वॉश है, सनस्क्रीन है, डे क्रीम, नाइट क्रीम, ऑयल है, वैसा, परंतु धीरे धीरे फार्मा वाली दवाई भी पेशेंट को, फिर यहाँ मानो कि आज डायग्नोसिस हो गया तो दूसरी दिन यहाँ से कुरियर निकल के उसके पास सेकंड डे के थर्ड डे दवाई पहुँच जाएगी, तो ये डिवीजन है।
इसके अलावा SSC इंटरनेशनल है, सख्या स्किन क्लिनिक इंटरनेशनल। तो हम दुबई, केन्या, USA, यूरोप सब जगह पे ब्रांच खोलने जा रहे हैं। पहले तो इंडिया 100 स्मार्ट सिटी जो होता है वहां खोलेंगे, उसके बाद इंडिया। मोदी साहब ने तो बाद में बताया, हमने तो 10 साल पहले बता दिया था कि 12 साल पहले कि इतने सिटी में 90% हमारा मैच होता था। मोदी साहब ने जो स्मार्ट सिटी बनाया है और हमारा 100 सिटी का लिस्ट था वो मैच होता था, बराबर। तो इंडिया फिर पेरिफेरी इंडिया की वो ले लेंगे, फिर SSC इंटरनेट। इसके बाद जो हमारा जो प्लान है कि डिवाइसेस, क्योंकि 17,000 डर्मेटोलॉजी अभी इंडिया में है, एक भी कंपनी इंडिया में मशीन नहीं बनाती, जो भी आता है सब बाहर जाता है, यूएसए, यूरोप से, चाइना, कोरिया, वहाँ से आता है, मेक इन इंडिया एक भी नहीं है। तो हम पहले तो असेंबली प्लांट बनाएंगे, फिर हम मेक इन इंडिया मशीन बनाएंगे। वैसे तो हमारे पर्पज से बनेगा, हम 20,000 क्लिनिक बना रहे तो इसमें मशीन तो चाहिए ना, चाहिए। तो अगर मैं दूसरी जगह पे लूंगा तो कॉस्ट भी बढ़ जाएगा, हम खुद करें तो कॉस्ट भी, हमारा क्या स्केल ज्यादा बनाना है पर इकोनॉमी कम रखना, कम रखनी है, कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका बेनिफिट ले सके। तो हमारा SSC डिवाइसेस, तो 7 डिवीजन है, एक क्लिनिक है, दूसरा जस्ट स्किन क्लिनिक जो छोटे गांव के लिए, तीसरा है SSC डिवाइसेस है, चौथा है टेलीडर्मेटोलॉजी, वर्ल्ड वाइड आप कोई भी जगह पे होता है, फिर फार्मा है कि भाई हमारी सख्या एडवांस साइंस जो होती है, फिर एकेडमी हम बनाएंगे सातवां, क्योंकि इतना 20,000 क्लिनिक बनाने से आपको स्टाफ भी चाहिए, ट्रेनिंग भी चाहिए, ट्रेनिंग। अभी इंडिया में 140 करोड़ की पॉपुलेशन है, गवर्नमेंट अप्रूव्ड एक भी नहीं है इंस्टीट्यूट, एक भी नहीं है, नहीं है ना, कब अपने खुद का सर्टिफिकेट देते हैं पर गवर्नमेंट अप्रूव नहीं है। अभी गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है कि भाई हर एक यूनिवर्सिटी में ऐसा स्किन थेरापिस्ट का, क्योंकि मुझे थेरापिस्ट चाहिए तो कहाँ से लाऊँ, क्योंकि अगर ICU में नर्स होता है तो नर्सिंग कॉलेज है, वहाँ से नर्सिंग मिल जाता है, क्लिनिक में तो थेरापिस्ट क्या है कि भाई डॉक्टर से ट्रेनिंग लेके, पर वो सर्टिफिकेट नहीं होता है, उसका प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं होता है। तो फिर अभी तो हम हमारे इन हाउस हमारे क्लिनिक के लिए बना रहे, फिर भी कोई भी डर्मेटोलॉजिस्ट खुद के स्टाफ को ट्रेनिंग के लिए हमारे पास भेज सकते हैं, हम इसको बेसिक ट्रेनिंग दें, क्योंकि वो ट्रेनिंग के सर्टिफिकेट से आधार है खुद का क्लिनिक खोले, नहीं वो भी हम लिखवा देते हैं, वरना क्या होता है सीख लिया और प्रावधान रखा है कि इससे साइन करो कि ये सर्टिफिकेट के आधार वो क्लिनिक नहीं खोल सकते, सिर्फ डॉक्टर के वहाँ जॉब कर सकते हैं। ये सर्टिफिकेट मानो के बिना सर्टिफिकेट उसको 10,000 सैलरी मिलती है, तो ये सर्टिफिकेट उसको 20,000 सैलरी मिलती है, दुगनी मिलेगी, उसका ट्रेनिंग का जो खर्चा होता है उस सैलरी में निकल जाएगा। तो ऐसा बड़ा प्लान है। यस, बहुत बड़ा प्लान है सर आपका, पूरे वर्ल्ड के अंदर भी और मेक इन इंडिया के अंदर भी बहुत सारी आप हैं। और थैंक यू कहना चाहूँगा कि आपने आज इस पॉडकास्ट के अंदर हेल्थ के बारे में और अभी करंट समय में स्किन के रिलेटेड और ऑलमोस्ट आपने सभी बिजनेस के बारे में भी बहुत सारा नॉलेज दिया है, तो उसके लिए मैं आपका धन्यवाद हूँ। और आशा करता हूँ कि जैसे आपने बोला दुनिया का सबसे बड़ा सेंटर खोलते हो, तो फ्यूचर में भी आपके साथ और एक पॉडकास्ट करने का मौका मिले, उसके लिए थैंक यू।